नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे मैं सी ए राजकुमार आपकी इस पहली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से राधे राधे पहले मुझे बताइए ऑडियो वीडियो ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे बढ़ू कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलते चले जाऊं और ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो अमर सिंह दस बच्ची इस सी इंटर और सी ए बता रहे हैं पहली क्वेरी आ गई पहले ऑडियो वीडियो का मुझे बताइए सब ठीक ठाक मौज बाहर की नहीं है उसके बाद हम इस बात से भी पर्दा हटा देंगे कि ये बैच किसके लिए है क्यों है और कैसे कैसे करके है और ये भी बताना मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा ठीक है हाँ सर ठीक है मोबाइल एप्लीकेशन पर जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो भी मुझे बताएं क्या पोजीशन है वहां पर बिकॉज दिस क्लास इज रनिंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन योर यस सर यस सर यस सर यस सर ओके 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 तो चलिए आज हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं और आ, किन किन बातों को डिस्कस करने वाले हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ यहां पर आकर जुड़ जाएं और हम्म यस सर यहाँ पे तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सी uh, ए और सी फाइनल की पहली क्लास है और इस बैच के कई सारे नामों से बच्चे जानते हैं इस बैच को हम लोग रेगुलर 2.0 के नाम से भी बुला सकते हैं इसी बैच को आई 100 के नाम से बुलाया जाता है और इसी बैच को कुछ बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के नाम से भी बुलाते हैं तो ये वही बैच है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हमें कम समय में पूरा कंटेंट करवा दीजिए तो इस बैच की क्या खूबी है क्या किताबें होंगी किस तरह से बातें करके चलेंगे पहले सब्जेक्टिव मैटर पर आने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर भी आ जाएंगे ठीक है अमन है पूजा है संजीव है मानसी है नंदनी है जी साहब सर अभी भी अठारह साल की लग रही थै, थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू इंटर वालों के लिए भी कुछ आएगा तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ ना आएगा और देखो ज्ञान बट रहा है ज्ञान लेने में क्या जा रहा है ये क्लास इस समय यूट्यूब एज वेल एज योर एप्लीकेशन जो है हमारी उन दोनों के ऊपर चल रही है सभी जानते हैं न्यू स्कीम लॉन्च हो चुकी है मे टू Uh, इसका पहला एग्जाम होगा और अब आपके ग्रुप में कुछ पेपर ऐसे रहेंगे ग्रुप वन के अंदर एफ आर एफ एम एंड ऑडिट रहेगा <coughs> ग्रुप टू के अंदर आपका यहाँ पर डी टी आई डी टी और आई बी एस आई बी एस एक तरह से सिंड्रोम होता है खेल जो भी है जो इंटीग्रेटेड आपकी स्टडीज़ हैं ये, है, ये यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगी मालिक ठीक है जी तो इसमें आपका जो पेपर नंबर पहले पुरानी स्कीम के अंदर आठवां हुआ करता था वो पेपर नंबर आपका पांच कर दिया गया है पहला चीज तो आपको यहां देखने के लिए मिला तो आई पेपर नंबर फाइव है इस बात को दिमाग में रख के चलेंगे ये कस्टम की बुक मैंने यहां पर खोल रखी है और उसके अंदर ही कुछ मैंने आपको बताना है <coughs> दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है गला सबके खराब हो रखे हैं लगभग और जो ये खांसी और काफी धसका जो हो रखा है ना ये 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 भाई साहब कितनी ही मेडिसिन खा लीजिए ठीक नहीं होने में आ रहा है ठीक है जब तक पोल्यूशन रहेगा ऐसा ही रहेगा अब इधर बात करते हैं सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी मैं दिए देता हूं तो जैसा कि सभी जानते हैं आई आ गया है और अगर मैं बात करूं आपसे स्पेशली सी फाइनल को लेकर मेरे पूरा ये भूरा बच्चा लाल कबूतर पीले नीले ये सब मेरे कुछ ना पेट वर्ड्स हैं तो आप ऐसे मत सोचिएगा सर कैसी बात करो और वैसे भी दो तीन क्लास आप रह लो हमारे साथ में जो नए बच्चे हैं सब सीख जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कैसे कांड हमारी क्लास में होते हैं ये डमरू हमारा है कि जब बच्चा कोई सो जाता है तो उसकी नींद खोलने के लिए ये डमरू से शुरुआत की जाती है हमारी क्लास की शुरुआत भी स्टार्टिंग में भी बजता है ये और एंड में भी बजता है आज पहली क्लास है इसलिए नहीं बजाया कि बच्चा सोचेगा क्या हो रहा है ये इसलिए कहीं घबरा ना जाओ बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी डेमोस्ट्रेशन वाले हैं फीस नहीं दी है जब फीस आ जाएगी तो बजाया करूंगा शुरू में आते डमरू ठीक है ये हो गया भैया जी अपना पेपर नंबर फाइव ठीक है एंड uh, यहां पर uh, आपका जो जीएसटी है वो एट्टी मार्क्स का है एंड जो कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी है आपका uh, मालिक वो रखवाया गया है ट्वेंटी मार्क्स का इस प्रकार से न्यू स्कीम के अंदर आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर तैयार हो जाता है जहाँ तक सवाल है इस बैच के अंदर सर कितने लेक्चर लगेंगे क्या कैसे होगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ लगभग ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगभग ट्वेंटी फ़ाइव लेक्चर्स हमारे यहाँ पर लग जाएंगे और करीब दस लेक्चर के आसपास हमारे यहाँ पे लग जाएंगे तो इन टोटलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग कि पैंतीस लेक्चर के अंदर ये हमारा सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा चूंकि मैं इसके अंदर कोई फास्ट ट्रैक किताबें यूज नहीं कर रहा हूँ वही बुक्स हैं जो मेरे रेगुलर बैच के अंदर होती हैं ठीक है <coughs> तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्लस वगैरह भी हुआ दो चार क्लास बढ़ भी गई तो मैक्स टू मैक्स मैक्स टू मैक्स ये क्लास कहाँ तक जा सकती है ये फोर्टी तक अपनी जा सकती है मैक्स है वो अपनी ठीक है जी वैसे करके मालिक और अगर ड्यूरेशन में बात करके चलें तो ये बैच अपना करीब सौ घंटे से लेकर एक सौ दस घंटे के आसपास तक का ये इसमें कवर हो जाना चाहिए ऐसी हमारी उम्मीद और अपना पास्ट का अनुभव रहा है राइट यस सर सर मैक्स पकड़ें तो अगर मैक्स पकड़ोगे तो भाई चालीस इंटू तीन तीन घंटे की नॉर्मल क्लास होती है तो मैक्स पकड़ोगे तो एक सौ बीस घंटे तक ये अपना जा सकता है उससे ऊपर ये नहीं जाएगा ठीक है तो 35 से 40 लेक्चर और 100 से 120 इस रेंज के बीच में आपका सिलेबस यहां पर कंप्लीट करा दिया जाएगा सर इतनी पांच लेक्चर की रेंज क्यों नहीं रखी है रेंज इसलिए रखी है मैंने बिकॉज इस बार ना अमेंडमेंट भूरा मेरे थोड़ी ज्यादा है 84 फोर पेजेस की अमेंडमेंट है फॉर मे 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर हैवी अमेंडमेंट दिस टाइम तो इसलिए थोड़ा सा मैं मार्जिन आपसे लेकर शुरू में चल रहा हूं राइट अच्छा जी आगे बात करते हैं अपडेशन की आपका एग्ज़ाम कब स हमारा एग्ज़ाम ना उसमें है मई 2024 में है अच्छा तो सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर आपका एग्ज़ाम मई 24 में है तो आपको एग्ज़ाम से छः महीने पहले तक अपडेट रहना है छः महीने पहले October, uh, 2000, <coughs> uh, की डेट पड़ेगी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की डेट पड़ेगी मालिक तो दिस इज़ द कट ऑफ डेट फॉर योर अपडेशंस और मैं आपको बाई दिस डेट अपडेट करके चलूंगा ठीक है इस डेट तक मेरा स्टडी मेटेरियल एंड हमारा जो कंटेंट है हमारा जो स्पीच है सब कुछ इस डेट तक अपना अपडेट रहेगा उसके बाद जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 2024 में है पहले तो मैं उनको यह कहना चाहूंगा अगर आपका एग्जाम नवंबर 2024 में है तो आप इधर का एक आए हो एग्जाम ओरिएंटेड आपको हमारा जो आई डी वाला बैच है उस तरफ जाना चाहिए दूसरी बात जिनका एग्जाम मे ट्वेंटी है उनके पास अगर समय है तो गो फॉर वन जो हमारा रेगुलर बैच है जिसमें लगभग पचास बावन लेक्चर हमारे होने हैं वहां पर जाइएगा ये बैच उनके लिए है जिन बच्चों के पास समय होता ही नहीं है वो कहते कि नहीं सर बस हमें तो कंप्लीट कराइए बात खत्म जिनके पास समय की बड़ी किल्लत है ये उनके लिए है ठीक है इफ़ यू हैव टाइम तो वही पचास बावन लेक्चर का जो सिलेबस पचास से पचपन की रेंज लेके चलता हूं वहां पे मैं यहाँ पैंतीस से चालीस है वहाँ पचास से पचपन की रेंज है ठीक है आपको वो ही है अब ऐसे तो कोई प्रिसाइज करके हम बता नहीं सकते कि भाई ये लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो समय चुराया ही जाता है जैसे मान लीजिए यहां एक बात को समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल दे के चल रहा हूं वहां समझाने के लिए हो सकता है इसमें दो हैं तो वहां हो सकता है तीन या चार एग्जाम्पल रहे हूँ वहां पर मैं जो 150 वाला बैच है बात बात पर बंदूक की तरह जीएसटी पोर्टल को निकाल लेता हूं समझाने के लिए बातों को यहां वो चीज थोड़ी सी कम होगी वहां क्लास में क्वेश्चन मान लो दस हो रहे हैं तो यह हो सकता है चार या पांच होंगे तो ये छोटा छोटा करके ऐसे ही समय चुराया जाता है हाँ कंटेंट और जो सिलेबस है अपना वो पूरा होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट तो वैसे करके है मालिक तो अगर आपका एग्जाम आ रहा है नवंबर 2024 में तो छह महीने पहले जरा आपके आप, आप लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगी <coughs> सर थर्टीथ अप्रैल 2024 हमारी यहां पर डेट पड़ जाएगी तो आपकी अपडेशन डेट ये रहेगी बट सर इस बैच के अंदर तो हम यहां तक करके चल रहे हैं तो यहां से यहां तक का ये जो गैप आ जाएगा इसे कैसे करेंगे कोई बात नहीं यार। इस गैप के लिए हम अपनी अमेंडमेंट क्लास लेकर चलेंगे अमेंडमेंट क्लास की जरूरत उन बच्चों को पड़ेगी जिनका एग्जाम नवंबर 24 में है जिनका एग्ज़ाम मई 24 के अंदर है उन्हें कोई किसी प्रकार की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जी सर क्लास लैपटॉप पे चलेगी आप जिस पर आप हथेली पर चलाना चाहो क्लास क्लास हथेली पर भी चलेगी समझियोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मतलब जहाँ मर्जी चलाओ हर जगह क्लास चलेगी ठीक अच्छा सर जी जब हथेली पर पौधे उगाए जा सकते हैं तो हथेली पर क्लास भी चल सकती है ओके ओ यस 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 अब बात करते हैं किताबों को लेकर कि किताबें कौन कौन सी आपको यहाँ मिलने वाली हैं तो जो अपना प्यारा सा ये जीएसटी है इसके बाबू मेरे तीन वॉल्यूम आपको मिलेंगे वॉल्यूम नंबर एक वॉल्यूम नंबर टू एंड वॉल्यूम नंबर थ्री करके ये हमारी मेन और टेक्स्ट बुक अपनी हो जाती हैं जहाँ तक सवाल है कस्टम का तो कस्टम का एक ही वॉल्यूम अपना आता है एक ही में सारा कुछ होता है अपना तो चार किताबें हो गई आपकी यहाँ पर ये यह मेन करके राइट ओके सर जी एंड उसके साथ साथ फिर आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन आंसर की जो बुक है क्यूबी बुला देते हैं उसे इस क्यूबी बुक के अंदर आपके जो एम सी क्यूज़ हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें जो केस स्टडीज़ हैं वेरियस काइंड ऑफ वो केस स्टडीज़ भी इसके अंदर आपकी शामिल हैं जैसे कि सी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है तो न्यू स्कीम के अंदर आकर तो न्यू स्कीम के हिसाब से मैंने पूरा स्टडी मटेरियल अपना अपडेट किया हुआ है ओके जी तो ये भी आपकी दो किताबें मिलेंगी इसकी एक इसमें जीएसटी के लिए होगा और एक इसमें अपना कस्टम्स के लिए होगा तो कस्टम जीएसटी दो किताबें आपकी ये हो गई चार किताबें छह किताबें आपकी हो जाती हैं प्लस इसमें आपके जो थोड़े बड़े बड़े जो चार्ट्स होते हैं वो चार्ट्स आपको मालिक यहां पर मिलेंगे तो ये है आपका स्टडी मटेरियल अभी मैंने आपके लिए क्या क्या भेजा है अभी भेजा मैंने आपके लिए जीएसटी का वॉल्यूम वन भेजा है इसका वॉल्यूम वन भेजा है कस्टम का और कस्टम का क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिया है और आई थिंक एक चार्ट आपको मिला होगा तो इनमें से एक चार्ट आपको मिला है इतना कंटेंट आपको अभी भेजा गया है वी आर द कस्टम लॉ हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद फिर जीएसटी वॉल्यूम वन एंड आगे टू थ्री की बात करी जाएगी अब इसमें क्या है मालिक कि इसमें हुँ, हुँ, हु, आ, आपका ये जो आ, क्या बोलते हैं सर बाकी किताबें कब आएंगी बाकी किताबें मैंने अपडेट करी एक तो सी टूटने ने ना मेटेरियल अपना स्टडी मेटेरियल काफी लेट दिया था और वैसे भी हमें 31 अक्टूबर तक अपने स्टडी मेटेरियल को अपडेट करना था तो हमने कर दिया है इस समय जो बाकी किताबें वो टाइप सेट में है मैं झूठ नहीं बोलता ना बेईमानी करता हूं मैं जो एक्चुअल पोजीशन है बाकी जो किताबें हैं मेरी मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं अभी टाइप सेट में है टाइप सेट के बाद प्रिंटिंग में जाएंगी और प्रिंटिंग के बाद फिर आप तक वो अवेलेबल करा दी जाएंगी तो होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक के एंड कह लीजिए या दस दिन कह लीजिए तो तब तक आपको ये किताबें अवेलेबल हो जाएंगी सारा स्टडी मटेरियल आपको विद इन टेन डेज में मिल जाएगा अभी मैंने तीन किताबें आपको भेज रखी हैं करेक्ट यस सर अब आगे बढ़ते हैं प्रभु जी और आगे बढ़ने से पहले अपने सब्जेक्ट पर आने से पहले आ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं हालांकि देखिए अपनी तारीफ ख़ुद नहीं करनी चाहिए बट फिर भी थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा और दूसरी ये बात कि हम अपने इस बैच के अंदर सिलेबस को किस प्रकार से पूरा करेंगे क्या रणनीति हमारी रहेगी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं करके चलूँगा उसके बाद ही हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे देखिए साहब ये मेरे बारे में कुछ लिखा है मैंने सोलह साल का अनुभव अगर आप अनुभव को टीचिंग एक्सपीरियंस को ही नापेंगे तो 199 से मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग भगवान झूठ ना बुलाए 24-25 साल मुझे हो गए हैं मतलब पूरी जवानी दे दी इस प्रोफेशन को मतलब जवानी बचपन भी दे दिया मैंने तो मैंने ट्वेल्थ पास करते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था उस समय कुछ मजबूरियां रही थी फिर मजबूरी कब शौक बन गई शौक क्या सीधी सी बात यह है पैसे से मोटिवेशन आती है कच्ची उम्र में पैसे कमाने शुरू कर देते ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बस वहीं से मोटिवेशन आ गई कि भाई अब तो काम यही करना है और उसी में अपना आगे बढ़ते चले गए सी ज्वाइन करने से पहले पता था कि लाइफ में करना क्या है किस दिशा में हमें जाना है तो ऐसे करके था तो उसके बाद में मालिक ये ये एक फिगर है जो इससे ज्यादा स्टूडेंट ही हमने पढ़ा रखे हैं अब तक अपने करियर के अंदर प्रोफेशनल्स को एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इन सबके बीच में इलेवन टाइम ग्यारह बार हमारा बच्चा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ला चुका है आईडीटी के अंदर एक बार बराय, आए दो बार आए वो तुक्का हो जाता है ग्यारह बार तुक्का नहीं हो सकता है कुछ तो डिफरेंट रहा होगा इलेवन टाइम्स दस बार हमारे बच्चों ने हमें ग, एक गौरवान्वित महसूस कराया है ऑल इंडिया रैंक वन ला कर अब तक एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी से मैं आई आर एस ऑफिसर को भी ट्रेन कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अपॉइंट किया है इस शुभ काम के लिए तो ये हमारा सौभाग्य है हिंदुस्तान में पहली बार पहली बार कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आई आर एस ऑफिसर को ट्रेन कर रहा है एंड uh, ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है आपकी दुआओं से जी साहब एंड उसके बाद फिर बाकी सारी बातें तो आप पढ़ सकते हैं मोटी मोटी बातें यही थी ठीक है एंड मालिक हम अपने इस कंटेंट को कैसे कैसे करके कवर चले करके चलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आइए हमारे साथ में ऐसे करके क्या फीचर्स हैं इस बैच के उस पर जरा नज़र डालते हैं पाँच यूनिक फीचर्स इस बैच में मैं लेकर आ रहा हूँ मेरे हर बैच में होते हैं भाई साहब जो कहीं और आपको देखने के लिए मिलने वाले नहीं हैं पहला फीचर क्या है हु? पहला फीचर है कतई धाकड़ कि हम जीएसटी पोर्टल का यहाँ पर यूज़ करते हैं सी इंस्टीट्यूट ने नई स्कीम में जीएसटी पोर्टल को मैंडेट कर दिया है कि भैया इस पर के अकॉर्डिंगली इसको माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए कि हाँ आपको जीएसटी पोर्टल आता है आपको सारे फॉर्म्स की नॉलेज है कौन सा फॉर्म कैसे फाइल किया जाता है एंड ऑल तो वो उसके लिए आपको टेस्ट किया जाएगा वैसे करके तो हम 2020 से इवन सी इंस्टीट्यूट के मैंडेट करने से पहले से ही इस जीएसटी पोर्टल को अपने स्टडी में अपनी कोचिंग में हमने शामिल कर रखा है इससे हमें बात एक अच्छे से समझ में आती है बात को एक उसकी रूट से पकड़ पाते हैं एंड यहाँ थ्योरिटिकल हुआ इधर उसका प्रैक्टिकल देख लिया ऑफिस जाने का मन करता है क्योंकि आपको काम करना आता है कोई चीज़ आपकी फेवरेट कब बनती है मैथमेटिक्स फेवरेट कब बना था जब आपको क्वेश्चन करने आ गए थे आप निकाल पा रहे थे अगर आप नहीं निकाल पाते तो वही आपका सबसे खराब सब्जेक्ट बन जाता जब आपको काम करना आ जाएगा तो आपको ऑफिस जाने का मन करेगा दौड़ दौड़ के ऑफिस जाओगे आप एंड कंसेप्ट लंबे समय तक दिमाग में टिके रहते हैं और सबसे अहम बात ये कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें जबरदस्त उछाल आता है एक अलग डिफरेंट तरीके से आप लिख पाते हो अगर किसी ने बैंक ऑडिट कर रखा है प्रैक्टिकली और उसे बैंक ऑडिट पर कुछ लिखने के लिए दिया जाए तो उसका प्रैक्टिकल जो उसने कर रखा है वो उसकी थ्योरी में पक्का पक्का आएगा ही आएगा उसका असर इन सब चीजों से बनता है आपका ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स नई स्कीम के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने आपको एक कंप्लीट सी नॉट ऑनली सी कंप्लीट सीए बनाने की ठानी है तो उन्होंने कुल मिलाकर तीन चेंजेस किए हैं एक जीएसटी पोर्टल को मैंडेट किया है दूसरा एक जीएसटी के ऊपर कुछ एथिक्स के लिए उन्होंने एक चैप्टर नया इंसर्ट किया है जीएसटी के अंदर एंड केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछते थे उनकी डेंसिटी को उन्होंने बढ़ा दिया है मतलब जब केस स्टडी बनाई जाती है तो मान लीजिए पांच चैप्टर को मिलाकर पहले एक क्वेश्चन बनाते थे अब पांच की बजाय आठ चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन वो बनाएंगे तो मतलब केस स्टडी की डेंसिटी बढ़ा दी गई है हम्म तो ये वो चाहता है तो हमने अकॉर्डिंगली अपनी केस स्टडी भी तैयार कर रखी है ये चैप्टर भी आपका स्टडी मेटल में ऐड कर दिया गया है और जीएसटी पोर्टल तो खरम कराते ही आ रहे हैं तो पहला फीचर हमारा ये है जो कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा उसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशं होते हैं कठिन कठिन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कभी कभी है ना उनको समझाने के लिए हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देकर चलते हैं कि भाई जिससे आपको बात आसानी से और ईजिली समझ में आ जाए क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो वर्ड्स को नहीं पकड़ता वो पिक्चर्स को पकड़ता है मैं जो भी आप सामने वर्ड्स बोल रहा हूँ उन वर्ड्स से माइंड पहले पिक्चर बना रहा है और फिर पिक्चर को वो समझ पा रहा है लेकिन जब पिक्चर रेडीमेड हमें मिलती है तो हमारे माइंड का प्रोसेसिंग टाइम आ, कम हो जाता है और जो हम समझाना चाहते हैं वही आपको समझ पा रहे होते हैं वर्ड्स में क्या होता है मेरे माइंड में पहले पिक्चर होती है पिक्चर को वर्ड्स में बनाता हूं फिर वर्ड्स से आप पिक्चर आपका माइंड बनाता है फिर उसको समझता है ठीक है तो ऐसे ही अब यहां पर क्या हो रहा है जब मैं आपको दिखा ही पिक्चर रहा हूं और दिख भी आपको पिक्चर ही रही है तो इससे तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको आ ही नहीं सकती विदाउट इवन अ सिंगल क्वेरी आप कंसेप्ट को बड़ी ईजिली और हल्के फुल्के तरीके से समझ पाते हैं और ये काम सिर्फ हम ही करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने क्या किया है पिछले करीब करीब आठ नौ महीने से कि मैं मैंने ये फील किया बच्चा चाहे इंटर का हो या फाइनल का हो आप लोग पढ़ते बहुत हो और जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतने कम आप लिखते हो हमेशा लास्ट तक एक क्वेरी बनी रहती थी लिखना कैसे लिखना कैसे प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंटेशन कैसे तो मैंने क्या किया मैं अब हर चैप्टर से आपको लिखकर दिखाता हूं कि भाई ये रहा चैप्टर इसमें से चलो ये क्वेश्चन मैं खुद लिख के दिखाऊंगा कि अगर ये एग्जाम में आएगा तो फिर यहां पर आप कैसे इसको हैंडल करोगे कैसे हेडिंग बनाओगे चाहे वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो थोरिटिकल हो केस स्टडी बेस्ड हो तो मैं खुद सॉल्व करता हूं क्लास के अंदर आकर ठीक है लिख लिख कर समय लगता है पर मैं करके दिखाता हूं हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन फिर एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं लिखने की प्रैक्टिस के लिए और आपसे कसम और वादा लेता हूं कि आप जरूर लिख कर लाओगे इसका आंसर दस बारह दिन के भीतर भीतर आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं और द मोमेंट ये कॉन्फिडेंस आया कि हम लिख सकते हैं तो भाई साहब फिर कह नहीं क्या है आप यहां कितना भी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान ले लीजिएगा जब तक आपको लिखना नहीं आएगा आपके नंबर नहीं आएंगे बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का टूल यही होता है कि आप जरा वो मिटिंग करके दिखाइए कागज के टुकड़े पर कि आप कैसी वो मीटिंग करते हैं आई मीन टू से कैसा लिखते हैं आप तो वो भी एक पार्ट है हमारी स्टडी का वही नहीं आया तो फिर नॉलेज का चार डालोगे क्या ठीक है जी <coughs> चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे मेरे पास हर चैप्टर का टेस्ट बना हुआ रखा है एडवांस में जैसे चैप्टर खत्म होगा आप चैप्टर का टेस्ट देंगे सात दिन के भीतर भीतर उसकी कॉपी चेक होकर आपको वापस दे दी जाएगी आर यू गेटिंग माई पॉइंट सेवन डेज के भीतर आपको कॉपी मिल जाएगी आंसर शीट आंसर शीट आपको चेक होकर कि आपने कहा कितनी गलती करी है कितने में से कितने मार्क्स आपके आए हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर पाए तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी विद जीएसटी पोर्टल के साथ में एंड फिर आपका राइटिंग प्रैक्टिस रिहर्सल्स करवाऊंगा उसके बाद टेस्ट लूंगा टेस्ट के बाद आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा और तब कहीं जाकर आपको भेजूंगा कि जा रा सुल्तान कर चढ़ाई फिर आपको भेजूंगा एग्जामिनेशन हॉल में अब जाइए अब मेरी तरफ से आप तैयार हैं और लाइक लिख कर आइए मेरे लिए ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मालिक ठीक है यस yes, सर उसके बाद ये मेरे कुछ यहाँ पर झलकियाँ मैंने आपको दिखाई हैं जो हम आई ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं ये हमारा पहला बैच था सर ये आई लग रहे हैं ये नहीं नहीं ये क्या है कि है तो आई आर ही बट कस्टम्स के अंदर ना एक इनकी यूनिफॉर्म होती है तो इसलिए ये यूनिफॉर्म में है ठीक है एंड ये मेरा पहला बैच है ये फिर उसके अगले का बैच आ गया यहाँ पर आकर एक बीच में कोविड का बैच था वो मेरा ऑनलाइन बैच था वैसे करके ठीक है जी <coughs> इसमें कहाँ हुआ अरे बीच में हूँ बीच में हूँ मैं टाई लगा के ठीक है अच्छा जी हम क्लासेस के दौरान जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनको भी बुला लेते हैं ताकि आपको एक जीएसटी को 360 डिग्री पर हम दिखा सकें टेबल के इस पार तो बता दिया जाता है कि प्रोफेशनल्स को भाई ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए टैक्स ऐसे बचाया जाता है प्लान किया जाता है हम जरा डिपार्टमेंट की भी सुनेंगे ना कि आखिर वो नोटिस कैसे डालते हैं कब डालते हैं क्यों डालते हैं रेड कब डालते हैं रेड डालने के लिए टीम कौन बनाता है उनका थॉट प्रोसेस क्या है हमारा होता है इधर टेबल के साइड में होता है टैक्स को बचाना उनका होता है टैक्स को पकड़ना जो चोरियां चल रही हैं वो चोरियों को कैसे पकड़ते हैं उनका क्या तरीका होता है तो टेबल के उस पार की कहानी क्या है हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है सबमिट होने के बाद अब हमें नहीं पता क्या हो रहा है पीछे तो वो उनसे पूछेंगे कि भाई अब बताओ क्या हो रहा है पीछे तो यहाँ एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इन लोगों को बुलाएंगे जिसका जैसा रोल होगा और यहाँ आपसे रूबरू कराएंगे और आप कुछ सवाल जवाब भी उनसे कर सकेंगे जिससे कि एक आपको पता लगे एग्जैक्टली जीएसटी थ्री सिक्सटी डिग्री पर कैसा दिखता है ठीक है तो मैं आपको एक तरफा नहीं दोनों तरफ से दिखाऊंगा कि भाई जीएसटी ऐसा ऐसा करके है जैसे यहां पर ये यह मेरा पुणे का बैच है पहला यहां पर सी इंटरमीडिएट की मेरी फेस टू फेस क्लास होती है वहां पर बच्चे एक दिन बोले कि भाई हम टैक्स की चोरी ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर चल रहा था हम ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे ऐसे बताओ डिपार्टमेंट कैसे पकड़ेगा मैंने कहा डिपार्टमेंट कैसे पकड़ेगा तो मैं काम करता हूँ मैंने वहीं पर चेक किया कि हमारे जो स्टूडेंट थे उन्हीं में से ही पुणे के चाकन डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर है कुमार अम्बरीश हमने इनको फोन किया और कहा कि साहब आप यहाँ पर आइए नेक्स्ट डे क्लास में अधिकारी को ही बुला दिया मैंने कहा इनसे कहो कि टैक्सी चोरी कर लोगे गे आप बोलो बच्चों ने सवाल किए कि हम टैक्स ऐसे चुरा लेंगे इन्होंने बताया कि हम ऐसे पकड़ लेंगे आपको और बहुत ही शानदार ये सेशन था इस तरीके से मैं आपको इंटरक्ट कराऊंगा यहां पर क्लासेस के अंदर आकर ठीक है तो ये हमारे कुछ फीचर्स रहे एक बार फिर से बता दू जीएसटी का यूज़ है लाइव होंगे होंगे आंसर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी चैप्टर वाइज टेस्ट विद रिटर्निंग ऑफ शीट एंड ऑफिसर को भी क्लास के अंदर लाया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चलने मालिक आगे अब हां चलिएगा तो काफी कुछ हमने अपने बारे में बताया हमारी पढ़ाई कैसे होगी उसके बारे में बताया और ये क्या है ये हमारी बुक है उसकी जीएसटी की जीएसटी का वॉल्यूम वन है जो आपका बैच चल रहा है ना आईडीटी 150 वन फिफ्टी करके चल रहा है देखो कितनी शानदार किताबें बनाई है मैंने अपनी ये जीएसटी की मेरी बुक है <coughs> एकदम कतई जहर किताबें हैं भाई साहब पूछो मत एकदम कतई बेहतरीन किताबें है मस्त बुक्स हैं और अब मैं आ जाता हूं आपके यहां पर दिव्या वासवानी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो भूरा हमें बताइए क्या अब आप रेडी हो चुके हैं पढ़ाई करने के लिए क्या हम सब्जेक्ट मैटर की तरफ मूव कर जाएं बाबू मेरे प्लीज टेल मी बोलो चले अब तक हमारी बातें रहीं कुछ बेसिक सी बातें थी एक बात और रह गई इसमें आपको कोई समस्या हो और मुझसे बात करनी हो तो आप मेरा यह नंबर नोट कर लीजिएगा नाइन एट वन डबल जीरो वन टू वन सिक्स वन और बाकी इंस्टाग्राम ये फेसबुक वगैरह ये यूट्यूब चैनल आप सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जाओगे मेरे नाम से सर्च करोगे आपको वहाँ पर वैसा मेरा ग्रुप चैनल वगैरह जो भी सब मिल जाएगा आप सबसे जुड़ जाइएगा क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका हमारा साथ सिर्फ इस बैच तक का ही होगा आगे तक हम साथ में रहेंगे ठीक सबसे पहला पॉइंट आता है वर्ड इज टैक्स लेकिन उससे भी पहले मेरे दिमाग में आता है कि टैक्स आखिर है ही क्यों छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं घर में कितने लोग हैं सर पांच या सात लोग होंगे मेरे घर में भी आठ लोग हैं ज्वाइंट फैमिली है परिवार को चलाने के लिए घर को चलाने के लिए घर में एक हेड पर्सन होता है मुखिया बोल देते हैं जैसे मान लो पिताजी हैं पिताजी जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ से जो भी उनकी अर्निंग आती है पैसा आता है उससे वो अपना परिवार चलाते हैं कभी कभी माता जी भी वर्किंग होती हैं या अगर भाई बहन बड़े हो गए तो वो भी कमाना शुरू कर देते खैर नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो घर चलाते हैं अपने घर परिवार की जो नीड्स हैं रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ सैर सपाटा एंड ऑल उन नीड्स को पूरा करते हैं मैं मेरे घर की कर रहा हूं आपके पिताजी आपके घर की नीड को पूरा कर रहे हैं अगर हम घर को बड़ा कर देते हैं आठ लोगों का घर ना होकर 140 करोड़ लोगों का अगर ये घर हो तो जरा सोचिए इस परिवार को कौन चलाता है सर सरकार चलाती है सरकार दो लेवल पर है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लेकिन सरकार ना तो कोई जॉब करती है और ना ही सरकार कोई बिजनेस करती है तो हम सभी की अपनी पर्सनल नीड तो पर्सनली पूरी हो रही हैं, लेकिन हम सबकी कुछ एक कॉमन नीड्स भी तो होती हैं यार सड़कें चाहिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियां पार करने के लिए पुल चाहिए सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल एंड ऑल बहुत सारी हमारी कॉमन नीड्स होती हैं उन्हें किसके पिताजी पूरा करेंगे इस सामूहिक परिवार के 140 करोड़ लोगों के परिवार के जो कॉमन नीड्स है उसका क्या होगा तो इसको रन करती है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लेकिन मजे की बात यह कि इनका अपना कोई काम धंधा नहीं है तो क्या वेलनी घूमते हैं नहीं घूमते हैं सरकार ने कहा कि आपकी कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए हम आगे आएंगे लेकिन पैसा हमारे पास में नहीं है पैसा कहाँ से आएगा कहते हैं तेल तिलों में से ही निकलता है तो आप और हमारे घर की जो कमाई चल रही है उसी कमाई में से एक बाइट हमें सरकार को देना होता है सो so दैट वो हमारे लिए सड़कें पुल वगैरह ये सब बनवा सकें देश का डेवलपमेंट कर सकें हमारी कॉमन नीड्स को पूरा कर सके पर्सनल नीड को हम खुद पूरा कर लेते हैं कॉमन नीड्स को पूरा कराने के लिए पैसा सरकार को देते हैं एंड देन वो हमारे लिए पैसा खर्च कर देते हैं इसलिए कहते हैं कि टैक्स का जो पैसा होता है वो कहीं जाता नहीं है वो डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है बरसोरे मेघा 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 बन बरसता है ठीक तो ये सबसे पहले मैंने बताया कि टैक्स क्यों लिया जाता है अब बात करते टैक्स होता क्या है अब जो ये आपकी कमाई में से बाइट लिया जा रहा है क्या इस बाइट का नीचर डोनेशन जैसा होता है चंदा है क्या जो दे उसका भी भला ज नहीं ये तो लठ लेके सरकार पीछे पड़ जाती है देना ही पड़ेगा इट इज कंपल्सरी एक्सटॉशन एक्सटॉशन ही नहीं कंपल्सरी एक्सटोर्शन है और सर फिर तो ये हफ्ता वसूली हो गया नहीं कंपल्सरी एक्सटोर्शन होता है और एक लीगलाइज वे में किया जाता है अगर यहां कोई एक व्यक्ति दूसरे को गोली मार दे तो जेल हो जाएगी लेकिन बॉर्डर पर फौजी आतंकवादी को गोली मार दे तो मेडल मिलेगा डिपेंड करता है कि किसने चलाई किस पर चलाई और किन सर्कमस्टांस में चलाई ठीक तो वही यहां पर हम बात करके चलते हैं मालिक कि एक्सटॉशन ऑफ मनी है लेकिन अगर वो लीगलाइज वे में ली जा रही है तो वही आपकी टैक्स यहाँ पर बन जाती है और ले रहे हैं टू तो सपोर्ट द नेशन इस नेशन की इस राष्ट्र की इस देश की कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए तो कंप्लीट डेफिनेशन आई कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चेहरे पर एक स्माइल होनी बड़ी जरूरी है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मेरा वादा है भरोसा कर लेना ना बेईमानी तुम करना ना बेईमानी मैं करूंगा पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ अपने इस टास्क को एंड तक लेकर जाएंगे जब मेरे पास आ ही गए हो तो इतना भरोसा जताना कि जो मैं कह रहा हूं जैसे कह रहा हूं बस मान लेना टीचर का चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए और एक बार चुनने के बाद फिर उस पर डाउट नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखना <coughs> मैं गारंटी दिलाता हूं आपको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाना हाईएस्ट का तो पता नहीं कितने आएंगे लेकिन हां कम से कम एग्जाम्शन कम से कम एग्जम्पन जरूर आएगी आपकी मिनिमम टू मिनिमम जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चले जाना आप ठीक है आगे बोलते हैं एग्जाम्पल दिए गए हैं बताना जरा क्या ये टैक्स होगा कि नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं रिकवर्ड अंडर यूपी शीरा नियंत्रण अधिनियम अधिनियम मतलब एक्ट यूपी के अंदर जो मुलासिस होता है शीरा जिसे बोलते हैं हिंदी में उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से कुछ वसूल किया जाता है क्या वो टैक्स बनेगा द आंसर इज यस ये जरूरी नहीं है कि टैक्स को टैक्स के नाम से ही बुलाया जाए नाम तो इसका कुछ भी हो सकता है जैसे भगवान कृष्ण के नेकों नाम है कोई माखन चोर कहता, कहता है कोई कान्हा कहता है कोई मुरली वाला कहता है लेकिन है वो अल्टीमेटली कृष्ण ही ऐसे ही यहां पर टैक्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं नाम पर मत जाना काम पर देखना क्या वो इस हमारी डेफिनेशन को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है दूसरा है स्टील डेवलपमेंट चार्जेस हैं रिकवर्ड वो जैसे आरडब्ल्यू होती है ना हमारे कल गली मोहल्ले के जो कॉलोनी होती है जहां पर जो या ग्रुप हाउसिंग में रहते हो तो वहां जो मेंटेनेंस आपका जाता है वो भी आपकी कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए लेते हैं लेकिन वो किसी लॉ के तहत नहीं लिए जा रहे हैं आपसमिक समझौता होता है तो क्या वो मेंटेनेंस चार्ज आपके टैक्स बन जाते हैं द आंसर इज नो इसी तरह से स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ चार्जेस ले रहे हैं ऐसी संस्था बनाकर तो क्या वो यहां पर आकर आपके टैक्स बन जाएंगे द आंसर इज नो आगे एनी काइंड ऑफ सेस सेबल अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट तो सेस को भी क्या टैक्स बोल सकते हैं बाबू मैंने कहा ना टैक्स का नाम कुछ भी हो सकता है <coughs> जो सेस होता है वो भी टैक्स होता है जो ड्यूटी होती है वो भी टैक्स होती है कोई एडमिन चार्जेस है वो भी आपका टैक्स होता है कोई एस तैसी है वो भी टैक्स हो सकती है बशर्ते की परिभाषा वहां पर संतुष्ट करी जा रही हो लेकिन सर फिर भी कुछ अंतर है क्या अंतर भी है टैक्स के नाम से जो पैसा वसूल किया जाता है उसे आप कहीं भी फ्रीली सरकार यूज कर सकती है लेकिन सेस के नाम से अगर पैसा इकट्ठा किया गया है तो दैट मनी कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ दैट पर्पज जिसके नाम से कलेक्ट किया गया है जैसे मान लीजिए चैनी खैनी चैन से म लो तो को नहीं होता वो चैनी खैनी के ऊपर लगाया जाता है एक हेल्थ सेस क्योंकि सरकार को पता है कि जो आज चैनी खैनी खा रहा है आठ दस साल में इसका कैंसर तैयार हो जाएगा तो सरकार ने खाने वाले की जेब से जब वो चैनी खरीद रहा था तो एजुकेशन सेस के नाम का पैसा सॉरी हेल्थ सेस के नाम का पैसा निकाल लिया इधर सरकार अस्पताल बनवाती है आठ दस साल में अस्पताल तैयार होता है दूसरी साइड में खाने वाले का कैंसर तैयार होता है उद्घाटन इसी के हाथों से करवा देते हैं आन मिलो सजना ठीक सरकार बड़ी दूरदर्शी है एजुकेशन सेस का पैसा एजुकेशन के लिए ही खर्च किया जाएगा लाइक वे अच्छा जी <coughs> ये हमारी बात हो गई हाँ सर जी सर ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर है ड्यूटी वर्ड सिर्फ गुड्स के केस में इस्तेमाल होता है जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी और टैक्स टैक्स तो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है टैक्स इज ए ब्रॉडर टर्म और ये टैक्स के अलग अलग पार्ट हैं जैसे मान लीजिए ये अगर यहां पर आपका टैक्स कहा जाता तो टैक्स को हम टैक्स भी बुला सकते हैं टैक्स को ही ड्यूटी बुला सकते हैं इसी को सेस है इसी के अलग अलग नाम आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है मालिक थोड़ा थोड़ा सब में अंतर भी होता है हल्का फुल्का काइंड ऑफ टैक्स टैक्स दो तरह का होता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स हम इसकी पहचान कैसे करते हैं अगर मुझे आप इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द किसे होगा आपको नहीं दर्द मुझे ही होगा जिसको आ जिसको लगा बचपन में याद है यहां पर कूड़े पे लगाया करते थे कमर में इंजेक्शन लगाया करते थे इंजेक्शन लगने से पहले जो जान निकलती थी ना भाई इतना पेन तो इंजेक्शन लगने पर नहीं होता था जितना लगने से जस्ट पहले होता था आ, मर गए आ, तो यहां पर आकर इंजेक्शन लगा मुझे लगा तो दर्द मुझे ही होगा लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि लगे किसी और को और दर्द कहीं और हो रहा हो हाँ पॉसिबल है दर्टी माइंड ध्यान से सुनो ऐसा तब होता है जैसे छोटा कोई बेबी है महीने दो महीने साल छः महीने का बेबी है उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है वैक्सीनेशन के लिए बच्चों की थाइज में लगाते हैं वैक्सीन्स क्योंकि तो इतना उसके मसल्स वगैरह इतनी मजबूत नहीं होती बच्चे की तो जैसे ही वो इंजेक्शन थाइज में लगाया जाता है बच्चे को तो बहुत बाद में जा रिएक्शन देता है बच्चा तो इंजेक्शन लग के निकल भी चुका होता है तो बच्चे को लगता है क्या हुआ बे वो तब रोना शुरू कर देता है लेकिन माँ की चीख तो तभी निकल जाती है जब वो सिरंज बच्चे की थाईज में घुसने वाली होती है तो इंजेक्शन लग रहा है बच्चे को दर्द हो रहा है माँ को तो बस वही चीज यहां पर है कि अगर आपका जो टैक्स होता है मालिक ये लगता किसी एक पर है, है ना ये मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर आपका मिस्टर वाई करके है ठीक है जी तो लगा एक्स के ऊपर और इसका जो नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूं कोई टैक्स है जो कि इंपोज हुआ इंपोज किसके ऊपर हुआ ये बताइए और उसका जो बर्डन है जो सहा वो किसने सहा लगा मिस्टर एक्स के ऊपर बेयर भी कर रहा है उसे मिस्टर एक्स ही तो ये बन जाएगा आपका डीटी और लगा अगर मिस्टर एक्स के ऊपर और बेयर कर रहा है मिस्टर वाई तो ये कहलाएगा आपका आईटीटी ठीक ऐसे करके है तो लेवीड ऑन पर्सनस ऑन होम लेवीड ऑन पर्सन फॉर इनकम अर्ड एंड एक्टिविटीज़ कंडक्टेड एंड इट इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो इनडायरेक्ट टैक्स अपना होता है दूसरी जो अहम बात है इट इज बॉर्न बाई द पर्सन ऑन होम इट इज लेविड एंड इट इज बॉर्न बाई द पर्सन मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर जो एंड यूजर होता है यानी कोई और व्यक्ति ही इसे बेयर करके चलता है उसे बोलते हैं अपना इंडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल्स आपके नीचे दे रखे हैं आज चूंकि पहला लेक्चर है इसलिए मुझे कई सारी चीजों को यहां पर कलेक्ट करना पड़ेगा मालिक आके <laughs> कई सारे चीज़ों को मुझे यहाँ पे आके आपके लिए कलेक्ट करना पड़ेगा एंड uh, सारा कुछ कलेक्ट uh, हो जाने के बाद फिर हम uh, अपना खाना बनाना शुरू करेंगे मतलब ऐसे मानो आज किचन में सारा सामान जोड़ रहे हैं कि कढ़ाई कहाँ है चमचा कहाँ है अरे चाकू तो ले आओ भाई अरे अदरक ले आओ सब्जी ले आओ भाई तो सारा आज बना रहे हैं माहौल और ये सारा इकट्ठा हो जाने के बाद हमारा सामान फिर हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊं मैं कभी आपको रटवाऊंगा नहीं पहली दूसरी तीसरी क्लास के अंदर मैं आपके माइंड के लेवल को इस प्रकार ले आऊंगा कि उसके बाद जब मैं कोई कंसेप्ट का रीजन आपको दे रहा होऊंगा, समझा रहा होऊंगा, तो उन टूल्स के बेसिस पर आप अपनी तरफ से भी कोई रिएक्शंस कोई प्रतिक्रिया कोई सुझाव दे सकें आपको लॉ के एनालिसिस में हम भागीदारी आपकी लेकर चलेंगे इवन एनालिसिस छोड़िए लॉ तो हम कराते ही नहीं है हम तो लॉ ड्राफ्ट करते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉ का प्रोविजन पढ़ दिया फिर इसको करने बैठ रहे हम ऐसा कभी नहीं होगा हम तो बिना किताब देखे डिस्कशन में घुस जाएंगे और लॉ को खुद से ड्राफ्ट करेंगे गिवन सिचुएशंस में गिवन प्रॉब्लम्स के अंदर कि व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट अंडर लॉ फिर पाएंगे कि जो एक्चुअल में आपका लॉ बना हुआ है वो लगभग वैसा ही है अगला हमारे पास टूल पता होना चाहिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये क्या होता है टैक्सेशन की दुनिया में दो प्रकार के प्रिंसिपल काम करते हैं एक ऑरिजिन प्रिंसिपल होता, होता है एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है ओरिजिन प्रिंसिपल ये कहता है कि टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे एंड रिटेन किए जाएंगे जहां से गुड्स या सर्विसेज का ओरिजिनेशन है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं जहाँ से वो चल रहे हैं जहाँ से वो दिए जा रहे हैं इसके ऑपोजिट जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि टैक्सेस रखने का अधिकार उस कंट्री या स्टेट को होगा जहाँ पर कि वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किया जा रहा है मैं आपसे लॉजिकली पूछता हूँ आप कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं रोनाल्डो को या मेसी को या सुनील छेत्री को किसको आप किसको सपोर्ट करते हैं देखिए एग्जांपल ऐसे समझिए यहां पे जरा मान लीजिए दिल्ली में एक सेलर या सप्लायर बैठा हुआ है और यहां हरियाणा के अंदर एक बायर बैठा हुआ है ये हरियाणा का बायर यहां पर आता है और यहां से कुछ गुड्स वगैरह खरीद कर ले जाता है ये जो गुड्स है अपना मालिक ये कंज्यूम होगा हरियाणा में जाकर और इस बंदे की जेब से सौ प्लस दस मान लीजिए दस रुपए टैक्स के ये यहां पर पहुंच जाते हैं अब जो दस रुपए का रेवेन्यू है ये किसको मिलना चाहिए दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए या फिर इसमें से जो भी शेयर बनता है वो हरियाणा को मिलना चाहिए कौन सी सरकार को मिलना चाहिए सर हमने समझते हैं पढ़ा है कि टैक्स का जो अमाउंट होता है वो सरकार को दे जरूर रहे हैं हम लेकिन प्रैक्टिकली वो पैसा बारिश डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है यह बात हमें पता है तो अगर यह पैसा दिल्ली सरकार के पास में जाता है तो क्या दिल्ली सरकार इस पैसे को हरियाणा में बारिश करा सकती है इस पैसे से नहीं मैं बारिश कर दो पैसों की नहीं नहीं करा सकती दिल्ली सरकार दिल्ली में विकास करेगी हरियाणा में अगर बारिश करवानी है तो भाई ये पैसा हरियाणा गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा तो ही डेवलपमेंट की बारिश बनकर गिरेगा तो जिसको पैसा है पैसा इसका और बारिश हो दिल्ली में ये तो गलत है अगर मेरी जेब से पैसा गया है तो डेवलपमेंट की बारिश में मैं भीगना चाहिए ना तो इसलिए ये पैसा हरियाणा सरकार को मिलना चाहिए दैट्स वाई ये प्रिंसिपल ईजाद किया गया कि भाई जिस स्टेट या कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर बैठा हुआ है वही कंज्यूमर की जेब से ही पैसा निकलता है टैक्स का तो डेवलपमेंट की बारिश का मजा भी उसे ही आना चाहिए सिद्धांत तो यही कहता है इसलिए वर्ल्ड में 99 परसेंट जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को ही फॉलो करके चलते हैं इस वजह से आगे बात समझ में इसी के चलते क्या होता है मेरे भूरा कि मान लीजिए ओमान से अगर कोई गुड्स इंडिया में आता है तो क्या टैक्सेस ओमान में लगाए जाएंगे ना टैक्स ओमान में ना लगेंगे यहां पर टैक्स लगेंगे इंडिया में आकर जब वो इंडिया में आ जाएगा टैक्स इधर लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से यहां पर टैक्स मालिक लगा दिया जाता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भूरा अगर मान ले इंडिया में लाने के बाद हमने उस गुड्स को अगर श्रीलंका के लिए एक्सपोर्ट कर दिया पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है <coughs> हाँ सर यहां पर इम्पोर्ट ड्यूटी सपोज कीजिए सौ रुपए की हमसे कलेक्ट कर ली गई थी लेकिन अब उस बंदे ने जो इंपोर्ट किया था उसने आगे इसको एक्सपोर्ट कर दिया है तो क्या हमें यू इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में कलेक्ट कर ली गई थी इस उम्मीद के साथ कि भाई ये इंडिया में कंज्यूम होगा लेकिन वो हुआ नहीं श्रीलंका चला गया है तो इस इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए हां मिल जाना चाहिए इसका रिफंड अवेलेबल करा दिया जाएगा एंड जो श्रीलंका वाले हैं उनके यहां जब यह गुड्स पहुंचेगा तो चूंकि कंज्यूमर वहां बैठा है तो टैक्सेस वो इसके ऊपर लगाकर चलेंगे ठीक ऐसे करके तो जब भी इंडिया से कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस एक्सपोर्ट वैल्यू में किसी भी तरह के इंडियन टैक्स का लोड नहीं होगा रे इसलिए एक कहावत भी बन जाती है एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज नॉट द टैक्सेस इंडियन टैक्स इंडिया के बाहर कभी नहीं जाएगा तारा सिंह बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकता है लेकिन इंडियन टैक्स वीजा मिलने पर भी इंडिया के बाहर नहीं जा सकता है इसे कई सारे इफेक्ट और देखने को मिलते हैं अगर मान लीजिए हम इसको प्रिंसिपल को फॉलो ना करें डेस्टिनेशन को और इंडियन टैक्स का लोड भी ओवरसीज कस्टमर पर डालें बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस बाय वे ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो इंटरनेशनल मंडी में हमारे गुड्स और सर्विस महंगे हो जाएंगे महंगे होने की वजह से डिमांड गिरेगी डिमांड गिरने की वजह से सेल प्रोसीड्स फॉरन करेंसी वाली कम आएगी वो कम आएगी तो हमारे पास बाहरी पैसा कम होगा बाहरी पैसा कम होगा तो हम कमजोर होंगे हमारा रुपया पिटेगा तो इससे कई सारे साइड इफेक्ट अपने हो जाते हैं इंडियन टैक्स कलोड ओवरसीज बायर के ऊपर ना डालने से फायदे हैं इसके अपोजिट कैसे हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा सस्ता होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी फर्न करेंसी ज्यादा आएगी हम मजबूत होंगे एंड जब मजबूत होता है देश तो बहुत सारी चीजें और ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे कई सारे लोग बिना बात नमस्ते मानने के लिए दरवाजे पर आ ही जाते हैं यस सर तो यह अपना यहां पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मालिक ठीक उसके बाद बाबू मेरे अब क्या है छोटे छोटे तीन बातें हमारी हुई कि भाई टैक्स क्या डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल अब ये चार्ट्स आ गए हैं आपके यहां चार्ट वन से लेकर चार्ट नंबर दस तक हम जाएंगे इस पूरे चार्ट्स के अंदर मैं आपको कस्टम लॉ का हेलीकॉप्टर व्यू देकर लाऊंगा या इसका मिलेगा आपको हेलीकॉप्टर व्यू आप समझ सकते हो हेलीकॉप्टर में बैठकर अगर हम किसी शहर को देखें तो चंद मिनटों या घंटों के अंदर ही हम एक शहर का पूरा मुआयना कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री या कहीं कोई बड़े लोग जाते हैं कि भाई कहीं पर बाढ़ बाढ़ आ गई है तो मुआयना करने के लिए जाते हैं या कभी कभी बारिश से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तो हेलीकॉप्टर से व्यू किया जाता है इतना बड़ा एरिया को बस कुछ चंद घंटों के अंदर ही उसका व्यू ले लिया जाता है वही व्यू यहां पर हम लेकर चल रहे हैं इस समय फायदा यह होगा कि हमें एग्जैक्टली exactly पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं कितना कर चुके हैं और कितना काम करने वाले हैं आप मेरी एक बात से पक्का पक्का सहमत होंगे कोई भी बुक हो कोई भी लॉ हो पढ़ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता बशर्ते कि उसकी पूरी मैपिंग हमें पता हो कि इसमें रास्ते कहां कहां होकर निकलेंगे क्या क्या चैप्टर्स कब किस पॉइंट पर आएंगे और किस तरह से इसका पूरा फ्लो चलेगा अगर मान लो आपकी चार क्लास छूट भी गई सपोज करो बीच में और पांचवी क्लास में आप अगर बैठे हैं तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली आप किस पॉइंट पर खड़े हैं इसमें कस्टम के मैप में इस समय लोकेशन क्या है अगर आपको वो पता है तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं समझने के लिए तो इसलिए आपको हेलीकॉप्टर व्यू यहां पर दिया जा रहा है रेडी हो हाँ जी रेडी हैं सर ये बैच डेली डेली होगा डेली हो संडे छुट्टी होकर संडे क्लास नहीं होगी इस बैच की बाकी ऑल सिक्स डेज इसकी क्लास ली जाएगी ठीक है साहब हाँ सर जी ठीक है तो चल मेरे भूरा रेडी हाँ जी तो आ, सबसे पहली बात जनरल दिखा दूँ किस चार्ट में क्या है जनरल बैकग्राउंड दिखाई गई है पहले चार्ट के अंदर जनरल बैकग्राउंड के बाद में फिर मैंने समंदर के अंदर ले जाकर समंदर को ही नाप दिया है क्योंकि आ, हमारा करीब करीब नाइन्टी परसेंट नब्बे प्रतिशत जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है इसलिए समंदर को नाप दिया है फिर देखेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं कस्टम्स के अंदर उनका डिस्कशन चार्ट थ्री में किया जाएगा एंड वो करने के बाद में फिर मेरे भूरा मेरे कबूतर फिर हम एक पूरा फ्लो क्या है कस्टम्स के अंदर उसको देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ आती हैं इम्पुट होती हैं उसके क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं वो चेक करेंगे एंड फिर ऐसे कुछ दो चार बातें और हैं तो शुरू से लेकर एंड तक का पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप कह लीजिए उसकी सेटिंग अपने माइंड के अंदर हम कर लेते हैं ठीक है यस yes, सर। <coughs> <coughs> तो शुरुआत हम अपने यहां से करके चल रहे हैं जनरल बैकग्राउंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स अभी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को पढ़कर आ रहे हैं इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर आओगे तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स बनेगा और आपको सामना करना होगा इंपोर्ट ड्यूटी का अगर इंडिया से इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हो तो फिर वहां पर भाई कोई किसी प्रकार के इंडियन टैक्स की बात नहीं करी जाएगी ऐसे मानते हैं हम तो इम्पोर्ट किया है ये अपना मुंबई कस्टम पोर्ट पर माल आ गया है लाइबल टू इम्पोर्ट ड्यूटी है जिसमें आपकी सबसे पहले ड्यूटी लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड वेरियस काइंड ऑफ एडिशनल ड्यूटीज मालिक आपकी यहां पे लगाई जाती हैं जैसे माता रानी के रूप हैं इसी तरीके से हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना उसके भी रूप हैं पहला रूप ये रहा माँ जगदम्बा और एडिशनल ड्यूटीज के रूप में इसके कई सारे नाम यहां पर आ जाते हैं जैसे कि एक आ जाता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी एक आ जाता है इसका नाम सी वी डी थ्री वन एक नाम आ जाता है सीवीडी थ्री फाइव एटसेट्रा ऐसे करके कुल मिलाकर नौ रूपों में देखने के लिए मिलती है हमारी ये इंपोर्ट ड्यूटी जब हम अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो अभी हम बड़ी वकालत कर रहे थे कि इंडियन टैक्स का लोड नहीं पड़ना चाहिए लेकिन मालिक कुछ आर्टिकल्स हैं जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के अपोजिट जाकर हम उन पर ड्यूटी लगाते हैं जैसे लेदर आर्टिकल्स हो गया है जैसे एनिमल स्किन हो गई है इन चीजों में हम लोग रिच हैं लेदर आर्टिकल्स में हम रिच हैं वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपोर्ट किया जाता है और इतना बेहतर हमारा प्रोडक्ट होता है वर्ल्ड वाइड किसी का भी नहीं है तो मैं पता है अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करके इसके रेट बढ़ भी गए तब भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है हमारा प्रोडक्ट जिंदाबाद इंडियन ग्रेनाइट जो होता है वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस है जितनी वैरायटी हमारे इंडिया में मिलती है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है ऑनियन प्याज के ऊपर अभी अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो अनियन है प्याज है उसके एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी सरकार ने वहां क्यों लगाई उसको महंगा करने के लिए अनियन के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी उन्होंने सरकार ने कि भाई एक्सपोर्ट करोगे तो भाई बड़ा महंगा पड़ जाएगा ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे ना ओवरसीज कस्टमर के लिए भी अगर इंडिया में प्याज महंगी हो रही तो बाहर भी महंगी करो नहीं तो क्या होगा लोग एक्सपोर्ट इसको करते रहेंगे और इंडिया में और महंगाई बढ़ती चली जाएगी और समस्याएं पैदा हो जाएंगी तो कुछ कारणों से कुछ चुनिंदा चीजों पर ही आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है अदरवाइज एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी जो रोल है वो ना के बराबर है आप देखेंगे एंटायर कस्टम लॉ के अंदर हम लोग इंपोर्ट की तरफ ही झुके हुए होंगे मैं नहीं लॉ मेकर ही झुका हुआ है दूसरा नॉर्मली तीन आपके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते होते हैं जल थल और वायु सी रूट बाई एयर और बाई रोड या सरफेस लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बात होगी आपकी बाई सी रूट की बिकॉज नाइनटी परसेंट इंटरनेशनल ट्रेड आपका वहीं से होता है इसलिए ठीक सर जी <coughs> तो कस्टम ड्यूटी के दो नाम हो गए एक आपकी इंपोर्ट ड्यूटी और एक होगी आपकी मालिक यहां एक्सपोर 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 पर एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट करने पर यह और एक्सपोर्ट करने पर ऐसे लगाई जाती है बैकग्राउंड ऑफ कस्टम लॉ की बात करते हैं ये पुराने समय की बात है जब राजाओं का टाइम हुआ करता था जब कोई एक व्यापारी एक राजा के राज्य से दूसरे राजा के राज्य में जाया करता था बिजनेस करने के लिए तो वहां के राजा को खुश करने के लिए मस्का मारने के लिए वो उस राजा के लिए कुछ भेंट कुछ गिफ्ट कुछ उपहार लेकर जाया करता था ताकि राजा खुश रहे और उस राजा की कृपा दृष्टि इस व्यापारी पे बनी रहे एंड वाइस एवर्सा यानी कि जब यहां का व्यक्ति इधर आता था तो उस राजा को खुश करने के लिए वो लेकर आया करता था यह उस समय की प्रथा थी उस समय का ट्रेडिशन था उस समय का एक रीति रिवाज थी धीरे 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 बाबू मेरे ब्रिटिश पीरियड में 1786 में आकर इस प्रथा को ट्रेडिशन को इस कस्टम को लीगलाइज कर दिया गया और यही चीज जो भेंट थी ये कस्टम ड्यूटी के रूप में उभर कर हमारे सामने आ गई पुराने समय के अंदर हमारे पास में जो तीन माध्यम में ट्रांसपोर्टेशन के उसके अकॉर्डिंग तीन अलग अलग एक्ट हुआ करते थे सी कस्टम एक्ट दूसरा हो गया इंडियन कस्टम एयरक्राफ्ट एक्ट एंड आगे है यह है सरफेस के लिए लैंड कस्टम एक्ट हुआ करता था लॉ के जितने भी प्रोविजंस थे वो इन एक्ट के अंदर दे रखे थे और जहां तक सवाल है रेट्स क्या रहेंगे किस आर्टिकल पर ड्यूटी का रेट क्या रहेगा उसके लिए बना हुआ था हमारे पास में इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 ऐसे करके मालिक बना हुआ था यू तो वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव किए गए लेकिन फाइनली एट द एंड जो अभी हमारे सामने प्रेजेंट में है कि ये जो तीनों एक्ट थे इनको मर्ज करके ये कन्वर्ट होकर ये बन गए मालिक कस्टम एक्ट 1962 एंड जो आपका इंडियन टैरिफ एक्ट हुआ करता था वो रीनेम होके बन जाता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 तो इस समय दो एक्ट आपके सामने यहां पर आ रहे हैं क्या है इन दोनों एक्ट के अंदर तो जो कस्टम एक्ट 1962 है इसमें आपके सारे के सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं चाहे वो लेवी का हो कलेक्शन का हो अपील डिमांड रिफंड वगैरह अगड़म झगड़म सब इसके अंदर भर रखा है लेकिन जो आपका कस्टम टेरिफ एक्ट है ना बाबू मेरे उसमें आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट्स दिए हुए हैं रेट मिलेगा वहां पर जाकर इसमें दो शेड्यूल बने हुए हैं वन और टू जो सेकंड शेड्यूल है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं लेकिन जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसको दो भागों में बांटा गया है उसमें एक आता है आपका स्टैंडर्ड रेट और एक आता है आपका उसमें प्रीफरेंशियल रेट स्टैंडर्ड रेट मान लीजिए अगर टेन परसेंट का है तो ऑबियस बात है प्रेफरेंशियल रेट उससे कम ही रहेगा दैट इज सपोज सिक्स परसेंट है कब लगता है आपका ये प्रेफरेंशियल रेट तो अगर मैं बात को कुछ ऐसे बोलूं कि वेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन मोस्ट नेशन का मतलब हो जाता है सबसे चहेता जो मुल्क होता है उसकी बात हम कर रहे होते हैं सबसे चहेता मुल्क से अगर आपका गुड्स इंपोर्ट किया जाएगा तो प्रेफरेंशियल रेट लगा दिया जाता है मतलब क्या मतलब यही है मेरे बच्चा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है सबसे चहेता मुल्क क्या होता है वो बताइए आप जरा हमें तो मैं अस बात को कुछ ऐसे समझाता हूं सपोज करो यहां पर यह इंडिया है और इधर आपके कंट्री ए बी सी डी ई ये हमारे चहेते हमारे प्यारे मुल्क हैं इनको बहुत पसंद करते हैं दैट इज सबसे पसंदीदा मुल्क अगर हम ऐसे बोल के चलते हैं पाकिस्तान इस शब्दों को यूज करता है इन शब्दों को यूज करता है <coughs> तो इस कार्टेल में जितने भी आपके कंट्रीज आ रहे हैं चहेते मुल्कों में तो हम उन सभी के बीच में पैरिटी मेंटेन करते हैं कैसे मतलब <coughs> कि अगर हमने इंपोर्ट करा है कंट्री ए से और हमने उसको बेनिफिट दिया है कि दस परसेंट की बजाय सिक्स परसेंट की ड्यूटी आपके केस में लगाई जाएगी ये बोल दे दस की बजाय छह परसेंट चार्ज करेंगे तो अभी जो बेनिफिट दिया गया है कंट्री ए को तो ये कंट्री ए तक सीमित नहीं रहेगा ये जितने भी ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं एमएफएन में ये सभी के लिए एक्सटेंड बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ये कंसेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन का पैरिटी मेंटेन करी जाती है आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे और जो नॉन एमएफएन कंट्रीज होंगे उनसे तो वही अपना जो स्टैंडर्ड रेट है वही यहां पर लिया जाएगा, ओके, okay. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सीन यह है मेरे बच्चा 1996 में पाकिस्तान को पहली बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते थे लेकिन वो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं मानते मालिक वो कहते थे हमें इन शब्दों से ही नफरत है हम इंडिया को कभी भी अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क कह ही नहीं सकते मतलब ये मानसिकता है उनकी क्या नाम चेंज करो एम एफ एन मत बोलो कुछ और बोलो <coughs> लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ फोर्टींथ फरवरी टू थाउजेंड नाइनटीन में तब यह स्टेटस छीन लिया गया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का यानी कि इस कार्टेल से बाहर निकालकर इसको फेंक दिया गया गट? तो इस लायक है ही नहीं कि हम तुझे मोस्ट एम एफ एन का दर्जा देकर रहे हैं स्टेटस तब छिन गया था तो एज ऑफ नाउ करंट पोजिशन पाकिस्तान इंडिया की एम एफ एन लिस्ट में शामिल नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने कभी इंडिया को शामिल किया है ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक आगे बढ़ते हैं आगे क्या सर जी तो ये स्टैंडर्ड रेट और यहां पर आ गया अपना ये मोस्ट फेवर्ड नेशन से लेकर आओगे तो कंसेशन रेट अपना आ जाता है ये कैसे वर्क करता है ग्राउंड पर आकर देखिए अगर मान लो मैं कंट्री ए से लेकर आ रहा हूं या फिर मैं कंट्री ई e से लेकर आ रहा हूं अधिकारी को कैसे पता लगेगा कि रेट कौन सा देना है स्टैंडर्ड या प्रेफरेंशियल सर वो देख लेगा ना कागजों में कौन से कंट्री से आ रहा है बाबू ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा गुड्स चला हो कंट्री ई से लेकिन मैं उसे कंट्री ए के थ्रो घुमाकर रूट करके इंडिया में ला रहा हूं ताकि ड्यूटी का रेट कम लगे तो आपके आपके बताने से कुछ नहीं होगा कि आप कहां से ला रहे हो ऑफिसर इंडिया में बोलेगा इंपोर्ट कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में भाई मुझे इस गुड्स का ना बर्थ सर्टिफिकेट ला के दोका ओरिजिन कहां का है जैसे जब आपका जन्म हुआ था मान लो आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था तो पहले हॉस्पिटल ने लिख कर दिया होगा पिताजी को कि ये मुन्ना या मुन्नी जन्म लिया है भाई इस हॉस्पिटल में इतने बजे फिर उस सर्टिफिक उसके आधार पर जो म्युनिसपालिटी में पिताजी गए होंगे और वहां से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया होगा जो आज भी वैलिड है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बनाया था बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे ही ये जो गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हो रहा है इफ यू विश टू क्लेम द प्रेफरेंशियल रेट तो आपको गुड्स का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा किसका मैन्युफैक्चरर कौन है मैन्युफैक्चरर कौन है सर देख के पता नहीं लगेगा कि गुड्स मेड इन चाइना या मेड इन यूएसए अरे ऐसे इस टाइम पचास आते हैं ऐसे टेप लगा दो क्या फर्क पड़ेगा नहीं प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए तो कौन सर्टिफाई करेगा सर्टिफाई क्या मैन्युफैक्चरर करके देगा जिसने बनाया है ये कैसी वाहियात जवाब है क्या पिताजी ने बनाया था बर्थ सर्टिफिकेट खुद से कि मेरा बच्चा यहां जन्मा है इस डेट पर ऐसे करके नहीं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट बॉडी बनाती है ऐसे ही गुड्स का भी बर्थ सर्टिफिकेट वहां की एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट बॉडी बनाएगी मैन्युफैक्चरर अप्लाई करेगा और वहां की गवर्नमेंट बॉडी से बनाकर देगी एंड वो जो विदेश में बैठा मैन्युफैक्चरर है वो इंडियन इंपोर्टर को वो बर्थ सर्टिफिकेट सौंप देगा एंड इंडियन इंपोर्टर अपने कस्टम डिपार्टमेंट पे आके वो सर्टिफिकेट देगा जिसके बेसिस पर उसे प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट मिल जाएगा ठीक क्या बोलते हैं देखो हाउ टू क्लेम प्रेफरेंशियल रेट इंपोर्टर ए प्रूफ एज टू कंट्री ऑफ ऑरिजन या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन या कंट्री ऑफ ऑरिजन द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन इज इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री दैट सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर एंड इंपोर्टर टू कस्टम डिपार्टमेंट सो दैट डिपार्टमेंट यहाँ पर उसे बेनिफिट या अलाउ कर सके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बाबू यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आप मुझे बताइएगा जरूर आई एम वेटिंग फॉर यार रिप्लाई बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज <laughs> बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए ना बात बात की तरह होनी चाहिए हाँ कोई बात नहीं मानसी आज यूट्यूब पे देखो भाई यूट्यूब पे चल रही है टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात कर लेना वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी चलवा देंगे ठीक है <laughs> सर हाँ जी ठीक है एंड uh, अगला पॉइंट आता है यहां पर कि यार ये जो कस्टम लो हम पढ़ने के लिए जा रहे इधर है कबूतर कमर सीधी कमर सीधी होनी चाहिए हाँ वो कहते हैं ना कि यहां पे वो क्या बोलते हैं कई सारे हमारे चक्र होते हैं ना ऐसे जाते हैं चक्र जब वो एक सीध में रहते हैं तो हमारा दिमाग सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है पाइपलाइन मुड़ी हुई होती है तो पानी का फ्लो ठीक से नहीं होता पाइपलाइन सीधी होती है तो पानी तेजी से बहता है तो मेरी बातों का जो पानी है यह आपके दिमाग तक सीधे सीधे पहुंचेगा इसके लिए आपको अपनी कमर सीधी रखे बैठना होगा तुम्हारा मास्टर खड़े रह सकता है तुम ठीक से बैठ भी नहीं सकते मैं बैठता इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो तुम लेट जाओगे ठीक है क्योंकि मुझसे तुम आगे ही चलोगे मुझे पता है ठीक बैठने को मैं भी बैठ सकता हूं ये कुर्सी यहां पर मैं बैठूंगा नहीं मालिक मैं कभी नहीं बैठता क्लास चाहे दो घंटे की हो चाहे दस घंटे की हो मैं कभी नहीं बैठता नेवर एवर ताकि आप अलर्ट मोड पे रहो आप अलर्ट मोड पे रहो इधर है इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो लाल डोरा दिखाई दे रहा है फिर आज डरा नहीं रहा हूं आज मैं तभी तो फीस देनी बाकी है कई सारे बच्चों को जब फीस सारी आ जाएगी तब डराया करूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम लॉ क्या है इकोनॉमी को मैनेज करना या रेवेन्यू कमाना भाई रेवेन्यू कमाना सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी को मैनेज करना प्राइम ऑब्जेक्टिव है मुझे बताना मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी संतुष्टि ही हमारा ध्येय है आई मीन टू से आपको संतुष्ट करना मेरा टारगेट होना चाहिए या पैसे कमाना मेरा टारगेट होना चाहिए भाई साहब अगर आपको मैं संतुष्ट कर पाऊंगा आपका एक अच्छा रिव्यू ले पाऊंगा पैसे तो अपने आप बढ़ जाएंगे यार पैसे की टेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आप भी कभी लाइफ में कुछ भी काम धंधा करें आप बस अपने काम पे फोकस करना पैसे तो अपने आप बढ़ेंगे अपने आप उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इकोनॉमी जी इकॉनॉमी का मैनेजमेंट कर रहे हैं कैसे मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि अगर हमें इकोनॉमी को मैनेज करना है तो भाई, भाई 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 एक बात आई क्या करना पड़ेगा एक बैलेंस बनाना पड़ेगा मैं आपको एक बात बोल रहा हूं ये जो बैलेंस वर्ड है ना ये बहुत बड़ा शब्द है हम तभी ठीक से चल पाते हैं जब हमारी बॉडी का ना बैलेंस बना हुआ है आपको पता है यह दोनों आंखों के बीच का भी एक बैलेंस होता है कानों दोनों कानों में बराबर सुनाई आ रही है इसका भी एक बैलेंस होता है अगर आंखों का या कानों का बैलेंस इंटरनली अगर डगमगा जाए ना व्यक्ति गिर जाएगा चल नहीं सकता इतना बड़े मान लीजिए शरीर है दौड़ रहा है भाग रहा है बैलेंस ही तो बना रखा है बैलेंस बना हुआ है तो हम कर सकते हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं आप ऐसे खड़े हो ना ये मान लो दीवार है यहां पर दीवार से पैर सटा देना पैर सटाने के बाद आप सीधे पैर को खोल के ऐसा कर सकते हैं क्या जैसे नॉर्मली करते हैं ना स्ट्रेच करते हैं ऐसे करके क्या आप ऐसा कर सकते हैं पैर को लेफ्ट वाले पैर को सटा दीजिए और राइट वाले पैर को ऐसे करके दिखाना आप कर नहीं सकते क्योंकि बॉडी को बैलेंस जब करते हैं तो एक सिरा अगर ऐसे जाएगा दूसरे सिरे को ऐसे आना ही पड़ेगा तभी बैलेंस कर पाते हैं बैलेंस बड़ी चीज होती है ऐसे ही मुझे बताइए कि अगर हम इंडिया के बाहर से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी कमाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन मालिक हम साथ में यह भी देखना चाहते हैं कि यार जो इम्पोर्ट किया जा रहा है उस इम्पोर्ट को कम से कम किया जाए क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारी फॉरेन करेंसी की कमाई होती है कमाते हैं और इम्पोर्ट करने से हमारी जो फंड करेंसी है वो हम यहां पर गंवा देते हैं तो एक तरफ से कमाई है और दूसरी तरफ से इसमें छेद हो रखा है तो भाई फिर बचेगा ही कुछ नहीं सब खत्म हो जाएगी तो हम ऑलवेज इसको बढ़ाते हैं और इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं हाँ हम नीचे इसको दिखाने की कोशिश ये लेक्चर किसके लिए है हाँ ये लेक्चर फाइनल वालों के लिए है सी ए सी एम ए सीएस फाइनल के लिए है मेरे बच्चा ठीक है पर ज्ञान बट रहा है ने कोई सीमा नहीं होती है ले लो तो यहां पर ये अपना ये डिक्रीज करके चलते हैं लेकिन डिक्रीज करें तो कैसे करें दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक की रफ्तार को कम करना है तो उसके ऊपर वजन रख दीजिए दस बीस किलो का रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी ऐसे ही अगर मुझे इंपोर्ट को डिक्रीज करना है तो ऑब्वियस बात है मुझे इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू अगर मुझे इसकी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाऊंगा मुझे इस पर एडिशनल ड्यूटीज़ या एडिशनल टैक्सेस का लोड डालना ही पड़ेगा एडिशनल लोड डालना ही पड़ेगा मालिक तभी इसकी चाल में कमी आ सकती है लेकिन एडिशनल लोड कितना डालू क्या मान लीजिए सौ रुपए का प्रोडक्ट है तो क्या एडिशनल ड्यूटी पांच सौ परसेंट इसके ऊपर लगा दूं अगर पांच सौ परसेंट की ड्यूटी लगा दी तो यह बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा इंडियन मार्केट में इसकी जगह नहीं रह जाएगी कोई खरीद नहीं पाएगा और ये इसका जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल रुक जाएगा इंपोर्ट का बिल्कुल रुक जाना भी क्या एक सही पोजीशन में आता है बिल्कुल रोक दिया नहीं इसके साइड इफेक्ट सुनिए अगर इंपोर्ट रुक गया तो जैसे हमने रोका है हमारे इस एक्सपोर्ट को जो दूसरे कंट्री के लिए इंपोर्ट है वो भी रोक देंगे और जो दूसरे कंट्री से, से कमाने की बात कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाएगा हर कंट्री का कस्टमर लगभग एक ही जैसा ध्यान दीजिएगा हमने उनका रोका वो हमारा रोक देंगे इंटरनेशनल ट्रेड फिर होगा ही नहीं दूसरी एक और बात जब हम इंपोर्ट को इस कदर रोक देंगे तो हम इंडियन कंज्यूमर्स मेड इन इंडिया गुड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे और फिर मेड इन इंडिया वाले क्या एक गुड क्वालिटी बना पाएंगे जी नहीं चूंकि उनका फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन खत्म हो चुका है इसलिए अब वो इंडियन गुड्स की पुअर क्वालिटी बनाएंगे और हम पुअर क्वालिटी को महंगे दामों पर खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है तो हमें देसी गुड्स का इंपोर्टेड गुड्स के साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाए रखना होगा ना तो हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं और ना ही ऐसा करना चाहते कि पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाए कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रौंद के रख दे तो देसी और विदेशी में एक बैलेंस बनाना जरूरी है या नहीं मुझे बताइए हां सर जी बैलेंस बनाना जरूरी है बस उसी की हम बात कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चोट ना पहुंचे और वो हेल्दी तरीके से काम करते रहें ये बड़ा जरूरी है देशी और विदेशी का एक कंपटीशन होना बहुत जरूरी है

लगा के चलते हैं कभी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते कभी ये लगाते कभी ये लगाते हैं अगर वहाँ से इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर सब्सिडी दी हुई है तो हम एक नई ड्यूटी और लगा देते हैं सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल हम यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं हम यहाँ पर आईजीएसटी नाम का टैक्स लगाते हैं बहुत सारा लोड डालते रहते हैं सो so दैट एक बैलेंस यहाँ पर बना रहे दूसरा कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी हम यहां पर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये आता है और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट करने के लिए आपका एक कस्टम लॉ मालिक यहां पर बनाया जाता है ऐसे करके ठीक यस सर अब इसमें क्या होता है मेरे बबुआ रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं इन जनरल इन जनरल जो हमारी ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसका जो रेट होता है <laughs> दूंगा प्रिंस ये लेक्चर दूंगा मैं आपको हाँ जी मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारे ये आर्टिकल्स है ना बाबू इसके अलग अलग कोड बने हुए हैं कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट को आठ डिजिट का कोड दिया हुआ है उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है एंड देन उसके रेट ऑफ ड्यूटीज लिखे होते हैं रेट ऑफ ड्यूटीज में दोनों होते हैं कि अगर स्टैंडर्ड रेट क्या है और प्रेफरेंशियल रेट क्या है वो दोनों प्रकार के रेट यहां आपको देखने को मिल जाते हैं टेन परसेंट का नॉर्मली रेट होता है जनरल रेट लेकिन कुछ एक आर्टिकल्स पर ड्यूटी का रेट भी भारी भरकम होता है मतलब भारी भरकम कैसे सर भारी भरकम का मेरा मतलब है मेरे भूरा मेरे कबूतर मेरे लाल की लाइक सौ परसेंट दो सौ परसेंट तक ड्यूटी का रेट चला जाता है डी क्यू सेवन कीमत पचास लाख इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है अस्सी परसेंट से चालीस लाख की और लग गई नब्बे लाख की पड़ती है कार आकर अगर ये ड्यूटी ना होती हटा दी जाए इंपोर्ट ड्यूटी पचास लाख की कार तो कोई फॉर्च्यूनर क्यों ले ऑडी क्यू सेवन ना तो यहां पर इस तरह से दिक्कत हो जाती मालिक या कोई टाटा क्यों ना ले तो यहां पे क्या होता कि अगर ये इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ना होती तो विदेशी कार हमारी महिंद्रा टाटा इन सबको रौंद कर रख देती इसलिए उनको बहुत महंगा करने के लिए हमने ये ड्यूटीज लगा रखी हैं और जो अल्ट्रा लग्जरी कार होती है जो सुपर कार्स होती हैं अपनी उन पर तो उनकी कीमत से ज्यादा ड्यूटी लगती है कि 125 परसेंट की ड्यूटी तीन करोड़ की कार और लगभग साढ़े तीन चार करोड़ की उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बन जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक तो ऐसे करके मालिक बात करते हैं बट आर्टिकल्स लाइक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हो कार वगैरह हो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो ड्यूटी कर यहां से यहां तक चलता है अब बढ़ते हैं आगे कुछ चीजें इकट्ठी कर रहे हैं आज अपने किचन में ताकि हम कुछ बना पाए इंटरनेशनल ट्रेड के जल थलवायु तीन माध्यम है जो अपना ये सी रूट है यहां पर बात होगी एक वैसल की हाय हाय कस्टम पोर्ट की बात होगी बाई एयर की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट का नाम आएगा बाई लैंड रूट की बात करते हैं तो ट्रक आ जाएगा और साथ में जो रेलगाड़ी रेलगाड़ी होती है वो भी आपकी यहां पर मालिक आ जाती है हुँ? अच्छा जी अब सवाल एक और उठता है <coughs> ये शब्द आ रहा है सब में कस्टम वर्ड हमें देखने को मिल रहा है ये इनका विश्राम स्थल होता है जहां पर ये व्हीकल आकर रुकते हैं सी पोर्ट कस्टम पोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन ऐसे करके अब अगर हम बात करें कि सपोज भाई जैसे अपना ये इंडिया है और हम जानते हैं कि ये अपना समंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है है ना हाँ जी ठीक है तो क्या ये मुझे बताइए ये इतना पूरा एरिया में पानी है तो क्या चप्पे चप्पे पर कस्टम अधिकारी को बिठाया जा सकता है इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां पर देखा जाए तो पोर्ट तो ही बहुत सारे हैं एक पोर्ट यहां पर भी है एक पोर्ट यहाँ पर भी बना हुआ है एक पोर्ट यहां पर है पोर्ट ही पोर्ट बने पड़े हैं आप देखिए जरा लेकिन क्या हर पोर्ट के ऊपर कस्टम अधिकारी को बिठाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है सरकार ने इस पर अधिकारी बिठा रखे हैं इस पर अधिकारी बिठा रखे हैं इस पर अधिकारी बिठा रखे हैं है। बाकी जो पोर्ट है <coughs> उन पर अधिकारी नहीं बिठा रखे तो जहां अधिकारी हैं वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मशीनरीज होती हैं लोड अनलोड एंड ऑल सारी चीजें होती हैं और जब एक जहाज आ रहा होता है उसको बोलते कि भाई सुन तुझे आना है तो कस्टम पोर्ट पर ही आना है यही तुझे शोभा देगा अगर तू गलती से किसी ऐसे पोर्ट की तरफ चला गया जो कि नॉन कस्टम पोर्ट है कैसा रे जो कि नॉन कस्टम पोर्ट है तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा कैसे मतलब अगर तू ऐसे पोर्ट की तरफ चला गया तो तेरी इस हरकत को हम लोग इस स्मगलिंग के नाम से बुलाकर चलेंगे जी स्मगलिंग का नाम दे दिया जाएगा और तेरे गुड्स को हाय लगेगी इसे स्मगल्ड इस गुड्स का नाम दे दिया जाएगा है ना और फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग तेरे गुड्स को हम जब्त करेंगे इसे भरे बाजार नीलाम करेंगे और जो पैसा आएगा उसे सरकारी खजाने में डाल देंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग स्मगलिंग का मतलब बड़ी बात बोल रहा हूं स्मगलिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ गैरकानूनी हथियारों की बात हो रही है के फोर्टी सेवन की बात हो रही है स्मगलिंग किसे कहते हैं जैसे ब्लैक मनी वो है जो सरकार की नजरों से छिपा लिया गया ऐसे ही कोई भी वो गुड्स चाहे ये, ये मोबाइल फोन ही क्यों ना हो जो गुड्स सरकार की नजरों से छिपाया जा रहा है हर एक वो गुड्स स्मगल्ड गुड्स बन जाएगा अब चाहे वो ए के फोर्टी सेवन हो चाहे मोबाइल हो चाहे ये रिमोट हो जो मर्जी हो वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक यस सर तो आपको आना है तो सिर्फ यहीं आना है तो इसी को बोल देते हैं हम लोग कस्टम पोर्ट जहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सीबीआईसी यहां पर नोटिफाई करता है कि कौन कौन से पोर्ट को कस्टम पोर्ट बुलाया जाएगा तो जब भी हम बात करेंगे कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन की ही बातें करके चलेंगे जो कि ऑथोराइज अप्रूव है लगभग इंटरनेशनल ट्रेड का 8% बाय एयर किया जाता है बाई एयर का इस्तेमाल हम इमरजेंसी में करके चलते हैं वैसल की तुलना में एयर का जो किराया होता है लगभग तीन चार गुना होता है अगर वैसल में सौ रुपए लग रहे हैं तो हैं तीन सौ जो चार सौ रुपये लग जाते हैं मालिक हम कभी इमरजेंसी वाली पोजिशन्स में ही बाई एयर इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी तो हम एक सही दाम में अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बेच नहीं पाएंगे या हमें पड़ता नहीं खाएगा या हमारा प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन आ नहीं पाएगा इसलिए वैसल से मंगाते हैं इमरजेंसी में एयर से मंगाते हैं लैंड रूट दो परसेंट ही होता है ऐसा क्यों क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज आ जाते हैं जो हमारे इंडिया से लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं भाई उन्हीं के लिए तो हम लैंड रूट की बात कर सकते हैं नेपाल भूटान वगैरह इन सब के लिए है जब अमेरिका को कैसे भेजे लैंड रूट से जमीन है ही नहीं वहां पर तो इस चक्कर में यहां पे दो परसेंट ही अपना ये रह जाता है तो इस तरह से अपना ये डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ पहला इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट करने पर चुनिंदा आर्टिकल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी आई बैकग्राउंड बताए पहले तीन एक्ट और प्लस थ्री प्लस वन एक्ट थे अभी दोनों के अलग अलग हो गए हैं दोनों एक्ट में क्या क्या लिखा है वो बताया एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम लॉ के उसकी हमारी चर्चा हुई इकोनॉमी को मैनेज करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना फिर मोड्स की बात हुई कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसे किया जाता है अगले डायग्राम की तरफ मूव कर जाते हैं आइए चूंकि नाइनटी इंटरनेशनल ट्रेड समंदर से हो रहा है तो क्यों ना समंदर में एक डुबकी कर आए मालिक चलिए <coughs> अगर यहां पर ये यह मेरा स्केल है तो इस स्केल पर मैंने लिखा है जीरो ये यह पे लिखा है मालिक ठीक है यहां लिख दिया मैंने अपना ये जीरो और ये पैमाना है मेरा ये हो गया मेरा बारह नॉटिकल माइल यहां पर आकर ट्वेल्व नॉटिकल माइल बाबू मेरे ये हुआ एंड टू हंड्रेड नोटिकल माइल मेरा यहां पर आकर ये ऐसे हो जाता है ठीक यस सर अब क्या है कि यहां से यहां तक का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना भूरा मेरे इस एरिया को हम लोग बुलाते हैं टी डब्ल्यू आई टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ये जो आप एरिया देख रहे हैं इफेक्टिवली दिस वन इतना है जो एरिया दिख रहा है एक नॉटिकल माइल का इफेक्टिव एरिया अपना हुआ ये दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से हम इसे जानते हैं शॉर्ट में ईईजेड e e के नाम से बुला दिया जाता है और अगर इसी एरिया को हम नीचे समंदर की गहराई से नापे ऊपर से नापा सरफेस से नापा तो बोला गया इजेड यहां से नापा जाएगा तो बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से इसे हम बुलाते हैं राइट सर और इसके बियॉन्ड जो एरिया जा रहा है दिस इज कॉल्ड योर सीज के नाम से इसको जानते हैं 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जाकर ठीक है ओके सर जी अब इसका रोल क्या होता है ये जो टी डब्ल्यू आई अपना देख रहे हैं यहाँ तक अपना ये आ रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये है कि इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट कहा जाता है तो इंपोर्ट का मतलब ये नहीं कि विदेशी पोर्ट से देश में लाओगे देशी पोर्ट पे लाओगे नहीं नहीं दिस प्लेस इज इंडिया के बाहर टी ड़ी ड़ी तक इंडिया होता है हम सभी जानते हैं और वहां से अगर आप यहां भी ले आए तो ये घटना आपकी इंपोर्ट बन जाती है और इस पॉइंट से इस पार से इस पार चले गए बॉर्डर पार कर दिया अपना ये तो यही घटना आपके लिए एक्सपोर्ट बन जाती है तो टी डब्ल्यू आई का रोल हमारे लिए कुछ इस प्रकार से आता है टू तो डिटरमिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे करके मालिक अगर मछली यहां से लाई जा रही मछली जल की ईरानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओगे डर जाएगी बाहर निकालोगे मर जाएगी उसके बाद ये जो अपना दिख रहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो दिखाई दे रहा है इसमें ओ ने लगा दिया भाई साहब अपना एक ऑयल रिक्स ऑयल रिक्स देखा है आपने ऑयल रिक्स क्या होता है समंदर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कि समंदर के अंदर ड्रिलिंग करने की मशीनरी लगी हुई होती है और साथ में जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसे एक्सट्रैक्ट करने की बाहर निकालने की मशीनरी भी लगी हुई होती है पूरे सेटअप होता है समंदर के अंदर तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई मैं टाइप करता हूं ऑयल रिक्स <laughs> तो कुछ ऐसा होता है अपना ऑयल रिक्स ये देख रहे हैं आप ये सेटअप है बने हुए हैं समंदर के भीतर जाकर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट ओके सर जी अब हमें एक छोटी सी बात बताइएगा ऐसा हो तो कैसा होगा ऑयलरिक्स सेटअप करने के लिए इन्होंने अमेरिका से मेरे भूरा इन्होंने ऑयलरिक्स ने अमेरिका से कुछ एक मशीनरी इंडिया में लेकर आए मशीन मशीन इंपोर्ट करी है इस मशीन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आएगी या नहीं आएगी यस और नो सर देखिए वो क्या बोलते हैं अब चूंकि ये टी डब्ल्यू आई के बाहर है एरिया तो दिस प्लेस इज कॉल्ड आउटसाइड इंडिया ना इंडिया में है ही नहीं है तो आया कहां से इंडिया के बाहर से आ रहा है इंडिया के बाहर तो ये इंपोर्ट ही नहीं बना और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो ही नहीं सकती है दूसरा अगर यहां से क्रूड पेट्रोलियम इधर लाया जाता है तो क्या इस पर हम लोग <coughs> इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आ, पेट्रोलियम के ऊपर सर जी यहां से जो पेट्रोलियम आएगा तो आ कहां से रहा इंडिया के बाहर से आ, कहां को रहा है इंडिया में आ रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी ट्रीटमेंट तो आपने ठीक दे दिया पर जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं और जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था क्या मतलब जो मशीन अमेरिका से आई थी ओ एन जी से लेकर आया था उस पर तो ड्यूटी आई नहीं जबकि आनी चाहिए थी और क्रूड पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल में वैसी आग लगी पड़ी है उस पर आपका यहां आ, जो टैक्सेस है जो है वो नहीं आनी चाहिए थी पर इस आ रही है तो आप कोई ऐसा तीर चलाओ जिससे कि आपका दो निशाने सध जाएं क्रूड पेट्रोलियम पर ड्यूटी ना आए और मशीन पर ड्यूटी आ जाए जो यूएसए से लेकर आए हो तो यह भी एक शतरंज की चाल की तरह होता है तो यहां पर सरकार ने खेल खेला और कहा कि हम इस प्लेस को जो कि आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है हम इसे आउटर इंडिया नहीं हम इसे डीम्ड इंडिया का स्टेटस दे देंगे ओनली टू दिस पोर्शन जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लोकेट कर रहा है दिस प्लेस टू बी कॉल्ड एज डीम्ड इंडिया मानते हो तो अच्छी बात नहीं तो मानना पड़ेगा जबरदस्ती है जब कोई चीज वैसी नहीं होती जैसी लॉ मेकर को चाहिए तो वो वैसे उसे बना लेता है डीम करके लेकिन ध्यान दीजिए डीमी फिक्शन से कोई चीज हो अपनी ऐसा नहीं कि भाई वो तो माना कि ऐसे करके है ये सिर्फ मानने से है प्रैक्टिकली ये चीज क्या इंडिया बन जाएगी मैंने बोल दिया ये इंडिया है फिर तो मैं पाकिस्तान को बोल दूंगा इंडिया है ये अमेरिका बोल दूंगा इंडिया है ये पाकिस्तान तो कर है इंडिया हाँ तो यहां पर आकर ये सिर्फ हमारे ख्वाबों हमारी कल्पनाओं में है अगर ऐसे मानने से कोई अपना बन जाता तो न जाने हम किस किस को अपना मान बैठते समस्याएं पैदा हो जाती वहां पर जाकर तो ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर है कि इंडिया है तो अब देखना जरा यूएसए से चला और कहां आया डीम्ड इंडिया इंडिया के इंडिया के बाहर से इंडिया में आया है तो अब इस पर ड्यूटी लग जाएगी कि नहीं लगेगी हां सर अब लग जाएगी और अगर यहां से क्रूड पेट्रोलियम का देखा जाए डीम्ड तो इंडिया से इंडिया में आया है ड्यूटी इंडिया से इंडिया में आया है इंपोर्ट बनाई नहीं ड्यूटी की बात हो नहीं पाएगी तो जो हमें चाहिए था वो यहां पर मिल जाता है और यही सारी बात आपकी लिखी हुई है यहां पर आकर कि टेरिटोरियल वाटर डिटर्मिन करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और जो ई जैड वाला पोर्शन है अपना ये ऑयल रिक्स वाला जो एरिया है उसे डिम्ड इंडिया कहा जाता है और मेरी जोन एक्ट के मुताबिक इसे डिम्ड इंडिया का दर्जा दिया जाता है तो इंडिया की डेफिनेशन क्या निकलती है अगर हम कस्टम एक्ट के मुताबिक देखें तो डेफिनेशन यह है कि लैंड पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर उसको शामिल करते हुए और मैरीटाइम जोन एक्ट को साथ में मिला दिया जाए तो यह परिभाषा हमारी और एक्सटेंड हो जाती है जो ऑयल रिक्स हैं वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं <coughs> वैसे करके बोल देते हैं अब एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दू यहां से लेकर बाबू जो यहां तक का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना दिस एरिया इज कॉल्ड एज इंडियन कस्टम Water ये इंडियन कस्टम वाटर होता है आप मुझे बता सकते हैं किसी भी एक्ट का जो स्कोप है वो कहां तक काम करेगा सर जो स्कोप है वो काम करेगा सर जी आ, मतलब इंडिया के लिए काम करके चलेगा वो हां मतलब जैसे कस्टम एक्ट की बात करें तो ये कहां तक एप्लीकेबल होगा सर इंडिया तक एप्लीकेबल होगा अमेरिका में थोड़ा ना लग जाएगा ये हां लेकिन लेकिन यहां पर एक वर्ड आता है इंडियन कस्टम वाटर माना कि कस्टम एक्ट आपका इंडिया में ही लगता है लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस बेसिकली पावर ऑफ उफ ऑफिसर्स एक्सटेंड अप टू द इंडियन कस्टम वाटर यानी कि अगर मान लीजिए इस लोकेशन पर यहां कोई जहाज वहाज आ जा रहा है डीम्ड इंडिया सिर्फ इतना वाला पोर्शन था रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया नहीं है यहां पर वैसल है तो क्या इंडियन कस्टम ऑफिसर इस वैसल को यहां पर चेक वैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसे सीज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इंटरोगेट कर सकते हैं द आंसर इज यस तो ये पावर मिली हुई है कस्टम्स के अंदर आकर और जीरो से लेकर दो सौ माइल तक का जो पानी है वो आपका कहा जाता है यहां पर इंडियन कस्टम्स वाटर तो रेलिवे हाँ ये लिखा है कस्टम ऑफिसर कैन एक्सरसाइज पावर विद इन इंडियन कस्टम वाटर जो कि जीरो से लेकर दो तक की कैटेगरी में आ जाता है मुझे बता बाबू यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई और अगर आ गई है तो मुझे बता फिर मैं चर्चा को और आगे तक आपके लिए लेकर चलता हूं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चलो रे। चलो साहब अब यहां पर आते हैं और ये दे रखा है अपना चार्ट नंबर थ्री आकर सामान जोड़ रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग और सामान इकट्ठा करने के बाद फिर इससे कुछ ना कुछ हम बनाकर चलेंगे मालिक ठीक है हाँ सर जी एकदम ठीक है और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है तो पानी पी लें हम हाँ पी लो हम्म इस चार्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स के मायने क्या होते हैं पहले पता लग जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना पहला आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप किसी भी टैक्स लॉस के अंदर जब रजिस्ट्रेशन मांग रहे होते हैं या ये कहूं कि किसी भी टैक्स लॉस में काम करेंगे आप तो आपको एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है जैसे जीएसटी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए यू नीड एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है टेन डिजिट का कोड होता है यह आपका पेन बेस्ड होता है और मैंने कुछ जरूरी कागजातों की लिस्ट एट द एंड ऑफ द बुक आपके लिए दे भी रखी है आप वहां पर आकर से देख भी सकते हैं एट द एंड ऑफ द बुक कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं ऐसा होता है आपका ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सर्टिफिकेट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट नाम पता ये वो और ये रहा आपका नंबर गिनकर देख लीजिए ये आपका टेन डिजिट का नंबर देखने को मिल जाता है ऐसे करके मालिक ठीक है तो सर्टिफिकेट लेना होगा तो इसके लिए वेबसाइट है dgft.gov.in क्या dgft डायरेक्टर जनरल फॉरन ट्रेड की वेबसाइट से आपको ये अवेलेबल करवाया जाता है <laughs> सी राजेश चौधरी राम राम साह राम राम साह साहब बहुत बहुत वेलकम है आपका हाँ जी आइए तो ये रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर जाकर वहां फॉर्म मिलेगा ए एन एफ ए एन एफ मतलब आयात निर्यात फॉर्म आयात मतलब इंपोर्ट निर्यात मतलब एक्सपोर्ट फॉर्म मतलब फॉर्म ए एन एफ टू ए करके मिलेगा वहां आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए वही चार सौ पाँच सौ रुपये की आपकी पाँच सौ रुपये शायद पाँच सौ रुपये की फीस आपकी लगती है जो लीगल फीस है एंड उसके बाद आपको ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर दे दिया जाता है कुछ केसेस में इस कोड की जरूरत नहीं पड़ती हमें जैसे मान लीजिए आप सी ए बनने के बाद इंडिया के बाहर जाएंगे घूमने घामने के लिए और जब वहाँ से लौट कर तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आएंगे आप घर वालों के लिए दोस्तों के लिए मेरे लिए कम से कम एक जैकेट लेकर आओगे कि सब हम अमरीका घूमने गए थे आपके लिए जैकेट लेकर आए हैं वेरी गुड तो जो ये सामान आप लेकर आते हैं इसे बोलते हैं आपका पर्सनल लगेज और पर्सनल लगेज को टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं बैगेज तो जो बैगेज लेकर आए हो तो इसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता नहीं होती है जो कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं अपने उसके लिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है मालिक ऐसे बाई पोस्ट अगर आप कुछ मंगा रहे हैं तो भी आपको स्कोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या कहते हैं इट्स अ रेफरेंस नंबर फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट द गुड्स लाइक ए रजिस्ट्रेशन नंबर है ए एन एफ टू ए करके फॉर्म होता है डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा ऐसे करके अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफ ओ बी और सी आई एफ दो शब्द होते हैं इन दोनों शब्दों का मीनिंग कैसे वर्क करता है मालिक एफ का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ऐसे बोर्ड चढ़ा के बोर्ड मतलब होता है लोड कर देना चढ़ा देना जहाज में अगर हम इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो गुड्स की लोडिंग होती है ओरिजिन पोर्ट पर तो ओरिजिन पोर्ट पर जैसे ही गुड्स को जहाज में लोड कर दिया छोड़ दिया वहां तक के सारे खर्चे मिलाकर जो कॉस्ट बनती उसे एफ के नाम से बुलाया जाता है जैसे मान लीजिए ये एक्सपोर्टर का प्रमाइसिस है यहाँ पर ठीक है तो इस गुड्स यहाँ से चला मान लेते इसका एक्स फैक्ट्री जो प्राइस था वो टेन थाउजेंड बनता था फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक का जो खर्चा पड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सौ मान लीजिए वो पड़ गया लोडिंग के जो चार्जेस हैं मान लीजिए पचास रुपये वो पड़ गए तो अब हो गया ये आपका दस हज़ार एक सौ पचास यही होता है बाबू मेरे एफ़ ओ बी वैल्यू यानी कि गुड्स को यहां लोड करने तक जितनी भी कॉस्टिंग आई है उन सबको जोड़ने के बाद आता है। क्रक्स ये निकाल सकता हूं कि गुड्स लोडेड फॉर्म में जब आ जाता है उसमें जो उसकी वैल्यू बनती है और पोर्ट पर उसे एफ कहते हैं सीआईएफ क्या है अब जो गुड्स लोड हो गया है जहाज के अंदर अब यह यहां से चलेगा गाड़ी चाली छलांगा मार दी छलांगे मारती मारती गाड़ी चलेगी और यहां इंडियन पोर्ट पर यानी कि डेस्टिनेशन पोर्ट पर आ जाएगी यहां पर आने के बाद मेरे बच्चा क्या किया जाएगा इसकी अनलोडिंग होगी तो यहां होगी इसकी अनलोडिंग ठीक है जी यस yes, सर तो आप सी आई एफ सी आई एफ का मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट इसमें शामिल करने के बाद सी आई एफ वैल्यू मालिक तैयार करी जाती है राइट right है जी हां सर एकदम राइट right है लेकिन क्या सीआईएफ में आपकी अनलोडिंग एक्सपेंसिस भी एड कर दू ये जो अनलोडिंग एक्सपेंस हो रहे हैं ये इंडिया की धरती पर हो रहे हैं दिस वैल्यू एडिशन इन इंडिया हो रहा है लॉजिकली ये ऐड नहीं होना चाहिए सीआईएफ वैल्यू के अंदर आकर मालिक तो जब गुड्स आपका लोडेड फॉर्म में ही है यानी कि अनलोड होने से पहले का मतलब लोडेड फॉर्म में ही है वहां तक जो भी आपका खर्चा हुआ वो सारा ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसे सी आई एफ वैल्यू कहा जाता है क्रक से ही है वैल्यू ऑफ गुड्स इन लोडेड फॉर्म एट डेस्टिनेशन कॉमन क्या है दोनों केस में कॉमन ये है कि वैल्यू ऑफ गुड्स लोडेड फॉर्म में है वैल्यू ऑफ गुड्स लोडेड फॉर्म में है एक ओरिजिन पोर्ट पर और एक डेस्टिनेशन पोर्ट पर वो लोड होने के बाद पर है और ये अनलोड होने से पहले है तो इस बात को कॉमन तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स इन लोडेड फॉर्म इन्हीं दो टेक्निकल टर्म्स से बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एफओबी कॉन्ट्रैक्ट या सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए किसी की अगर एफओबी सपोज कीजिए बनती है बाबू मेरे टेन थाउजेंड डॉलर की और सीआईएफ बनती है उसकी ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर की मतलब दो हजार रुपए का फ्रेट इंश्योरेंस जो रास्ते का होता है सी फ्रेट जो होता है अपना वो सब उसमें शामिल हो जाता है तो मैंने अगर पार्टी से एफ ओ बी कॉन्ट्रेक्ट करा है टेन थाउजेंड डॉलर मैं एक्सपोर्टर को दूंगा एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी कहां तक की बनती है वो गुड्स को कहां पर छोड़कर भाग जाएगा वो सर अपने ओरिजिन पोर्ट पर आएगा और गुड्स को लोड करा के जहाज में वो वहां से भाग जाएगा बिकॉज उसकी जिम्मेदारी वहीं तक की थी सवाल पूछूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाला गुड्स अगर समंदर के अंदर डूब जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर सर एक्सपोर्टर जिम्मेदार नहीं होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था एफओबी का उसने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया उसकी जिम्मेदारी सिर्फ लोड करने तक की थी वो करके चला गया अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपकी जिम्मेदारी है इंपोर्टर की जिम्मेदारी सॉरी एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका होगा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट तो इस बार आप उसे पे करेंगे एक्सपोर्टर को बारह हजार डॉलर और उसकी जिम्मेदारी है आपके गुड्स को आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक छोड़ना इंडियन पोर्ट तक छोड़ना तो ऐसे में अगर माल रास्ते में डूब जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर सर एक्सपोर्टर जिम्मेदार होगा इंपोर्टर क्यों होगा डूबा तो मानो एक्सपोर्टर का डूब गया बात खत्म आप अपने घर पे कोई टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं और आप उससे बोलते भैया डिलीवर करवा देना हमारे घर पे पैसे बताओ कितने लोगे है आपने कंबाइंड पैसे दे दिए वो होम डिलीवरी आपको दे रहा है उसकी छोड़ो पिज्जा आ रहा है आपका होम डिलीवरी होती है डिलीवरी के पैसे ले जाते हैं आपसे अगर पिज्जा रास्ते में गिर जाए खराब हो जाए तो क्या आप जिम्मेदार हैं कि आप पेमेंट करेंगे द आंसर इज नो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी आपका घर पर आ रहा है अगर रास्ते में डूब गया तो आप पेमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे डूबा डूबा तो एक्सपोर्टर का कोई नुकसान नहीं माना जाता है ठीक तो जैसे ही पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करती है तभी उसको अपना पेमेंट पाने का अधिकार होता है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने जहाज में लोड कर दिया ओरिजिन पोर्ट पर उसे अपना पैसा पाने का अधिकार मिल जाएगा एक्सपोर्टर को दूसरा सी आई एफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तक आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक गुड्स नहीं आएगा तब तक उसको अपना पैसा पाने का अधिकार नहीं होगा आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही एक्सपोर्टर अपना पैसा पाने का अधिकारी बन पाता है प्रेम से बोलेंगे राधे 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 बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई हां सर जी आ गई है दैट्स ग्रेट माय बॉय लिखा है मैंने एफ कॉन्ट्रैक्ट क्या सी कॉन्ट्रैक्ट क्या ंडर एफओबी कॉन्टेक्ट एक्सपोर्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लीव यानी फ्री ऑन बोर्ड पर इसको चलता है मालिक दैट इज लीव इन कन्वेंस दैट इज डिलीवरी टू बी मेड एट ओरिजिन पोर्ट दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर एट ओरिजिन पोर्ट हाँ वहीं पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है रिस्क एंड रिटर्न वहीं पर ट्रांसफर हो जाता है वहीं सारे काम खत्म हो जाते हैं ओनली आफ्टर दैट ही इज एलिजिबल फॉर द पेमेंट राइट साइ इन सच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होगी रास्ते की जो सी की जो कॉस्ट पड़ेगी वो इम्पोर्टर को अलग से पे करनी पड़ेगी बिकॉज उसने अपने एक्सपोर्टर को सिर्फ एफ ओ वी से रिचार्ज किया है आपने बचपन में देखा था खिलौना आया करता था उसमें जितनी चाबी भरते थे उतना ही ड्रम बजाया करता था खिलौना याद है तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना क्या समझे <laughs> तो भाई आपने जैसा रिचार्ज किया आपको वैसे तो मिलेगा ना फल आपने सी से रिचार्ज किया है ज्यादा पैसे दिए हैं अब रास्ते का जो सी सीफ़्रेट सी फ्रेट वगैरह है वो उस तो सब उसकी जिम्मेदारी है आप आराम से घर बैठिए ये लिखा आपका सीआईएफ कॉन्टैक्ट के अंदर आकर मालिक ठीक सर जी को दिक्कत वाली बात नहीं है आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आपने क्या सीखा है मैं फिर से बता दूं एक शब्द आता है एक्सपोर्ट के बेनिफिट क्या जैसे आलू के पकोड़े ऐसे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स शादी के बेनिफिट्स एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट्स हैं मेरे भूरा वो पाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर मतलब एक्सपोर्ट बेनिफिट अरे एक्सपोर्ट बेनिफिट का मतलब इंडियन टैक्सेस से रिलैक्सेशन मिलना ओम शांति ओम शांति आपको इंडियन टैक्स का लोड नहीं वहन करना पड़ेगा अगर आपने पे कर दिए हैं कोई टैक्सेस तो उनका रिफंड वगैरह आपको मिल जाएगा कुछ आपको कैश असिस्टेंस मिलती है आपको ढेर सारी फूड कूपन टाइप स्क्रिप्ट मिलती है हल्दीराम का फूड कूपन नहीं होता आप खाना खा सकते हैं ऐसे आपको स्क्रिप्स मिल जाती हैं जिनसे कि आप अपने टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं वो मिल जाती हैं है ना हाँ सर जी ठीक है टू अवेल द एक्सपोर्ट बेनिफिट फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एक्सपोर्ट के बेनिफिट तो पहले एक्सपोर्ट तो हो तो वही तो बेनिफिट मिलेगा और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है टीडब्ल्यूआई के पार चले जाना आपका यहां पर एक्सपोर्ट कहा जाता है वैसे करके मालिक ठीक है ये आपका एक्सपोर्ट कहा जाता है दूसरा पेमेंट पेमेंट आपका फॉरेन करेंसी में आना चाहिए आपका पेमेंट कब आएगा अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की बात करेंगे एक्सपोर्ट वाले केस में एफ वैल्यू क्या होगी इंडियन पोर्ट पर राइट right? लोड करने के बाद और सीआईएफ होगी डेस्टिनेशन पोर्ट पर यानी कि यूएसए पोर्ट पर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ठीक है तो आपके बताइए एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएंगे हा? तो पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा होगा तो ही मिलेगा दैट इज सबसे बड़ी बात यहां कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हुआ तो पेमेंट मिलेगा और टीडब्ल्यू के पार गया तो ही गुड्स आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा दोनों शर्तें पूरी होंगी जो कि दोनों इंडिपेंडेंट शर्तें हैं तो ही आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं वरना नहीं अब देखते हैं आप सही जवाब दे पाते कि नहीं जवाब सबको देना है हालांकि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बड़ा थोड़ी ना हूं आपकी मेरी उम्र तो लगभग एक ही जैसी होगी नहीं हाँ दो चार साल का कोई फर्क फर्क थोड़ा ना होता यार चलिए गुड्स संक इन अच्छा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं एफ ओ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर ये मेरा यहां टी है तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी वो सिर्फ यहीं तक की बनती थी कि भाई मैंने इसमें लोड करना है तो उसके बाद हर हर गंगे मुझे और कुछ नहीं करना है एफ कॉन्ट्रैक्ट था और गुड्स डूब जाता है टी में एक्सपोर्टर हमारे इंडिया से मिस्टर एक्स करके है राइट मुझे बताइए जब गुड्स टी में डूब गया तो क्या एक्सपोर्ट हो पाया ना नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट है क्या आपको पैसा फॉरेन करेंसी में मिल पाएगा भाई देखिए दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है आप गलती करोगे आपने सुना है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की धुन सुनिए तेरी कह के लूंगा नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपको बता दूंगा कहां कहां पर गलती करने वाले हैं अनुभव है मुझे इतना आप गलती ना करें चलिए फिर मैं बोल रहा हूं कि दोनों के दोनों कंडीशंस इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कोई कोरिलेट नहीं है जब दूसरी को चेक करो तो पहले को भूल जाना पहले का क्या था कैसे था सिर्फ इतना बताइए क्या आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या एक्सपोर्टर ने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा किया था हां किया था एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था जहाज में लोड कर दिया था उसने <coughs> उसने पूरा किया है इसलिए उसको पैसा पाने का पूरा पूरा अपना अधिकार है पैसा मिलेगा डूबा तो उसका डूबा मेरा नहीं डूबा अगला गुड्स टीडब्ल्यूआई आई के बाद डूबता है तो बताइए क्या मेरा एक्सपोर्ट हो गया हां 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 इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट होता है ये लाइन पूरी करनी है आपने एक्सपोर्ट हो गया क्रॉसिंग टी डब्ल्यू आई हो गया है क्या आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन पूरा हुआ हमारा कॉन्ट्रेक्ट चलो ऑब्लिगेशन सिर्फ लोड करने तक का था वो पूरा हमने कर दिया है बात खत्म अब डूबे मरे जो मर्जी हो बात ये यस yes में आएगा अगला केस है कि इस बार आपका कॉन्ट्रैक्ट सीआईएफ था यानी कि आपको अगर ये यहाँ टेडब्ल्यू आई है और ये यहां यूएसए पोर्ट है तो आपको इस बार गुड्स यहां पर डिलीवर करना था एक्सपोर्टर आप हैं मिस्टर एक्स यहां पर एक्सपोर्टर आदमी है वहां डिलीवर करना था तब आपको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल माना जाएगा गुड्स डूब मरा संक इन टी डब्ल्यू आई टी डब्ल्यू आई में डूब मरा तो मुझे बताइए क्या यह एक्सपोर्ट हो पाया नहीं क्या आपने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा किया आ, नहीं किया वो भी नहीं हो पाया आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा अगला गुड्स डूबता है टी डब्ल्यू आई के बाद जाकर क्या एक्सपोर्ट हो गया ओ एस 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 लेकिन क्या आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ नहीं हुआ इसलिए आपको यहां पर आकर मेरे भूरा पैसा नहीं मिलने वाला है फाइनली जवाब दीजिए क्या आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलेंगे एक्सपोर्ट के बेनिफिट तब मिलते हैं जब दोनों का आंसर यस में आता है जब दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हो जाती हैं तब आपको बेनिफिट मिलता है यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पर बेनिफिट आपको एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट से मिल जाएंगे यहां पर एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलने वाले और यहां भी आपको नहीं मिलने वाले हैं आई होप यहां तक की बात आपको समझ में मालिक आ गई होगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे क्या अब हमें एक ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं हां सर ब्रेक लेते हैं ब्रेक अपना है पंद्रह मिनट का और ब्रेक के बाद आपसे पुनः हमारी मुलाकात होने वाली है ठीक तो आइएगा पंद्रह मिनट का ब्रेक और रिज्यूम करने वाले हैं हम अपने यहाँ पर आकर कितने पर सात नौ बज के नौ मिनट पर आ जाएंगे लौट के ठीक है चलो ब्रेक चलो रे ब्रेक आपका हो चुका है ओवर और आज 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 आ जाओ जरा यहाँ यहां पर और अगला एक डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है बिल ऑफ लीडिंग करके लेकिन उससे पहले मुझे बताइए क्या आपको बिल्टी के बारे में पता है कि बिल्टी क्या होती है बिल्टी ऐसे मान के चलो जैसे कि यहां पर आपकी ये फैक्ट्री हो गई ठीक है और यहां से आपने अपना कुछ गुड्स ये आगरा में है आपकी फैक्ट्री और यहां पर दिल्ली के लिए आपको कुछ माल भेजना था बाई ट्रेन भेजना था तो प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि जो माल भेजा गया वही रेसिपिएंट को रिसीव हुआ या नहीं उसी क्वालिटी का उसी क्वांटिटी का उसी सफेदी और झाक का अगर हां फिर तो ठीक है नहीं तो उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं तो इस चीज को मैनेज करने के लिए एक बिल्टी नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि भाई जब यहां से गुड्स हम इस ट्रांसपोर्टर को यानी कि रेलवे को हैंड ओवर कर देंगे तो रेलवे वाला बिल्टी नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा उसमें लिखेगा कि उसे कौन सा गुड्स कितनी क्वालिटी क्वांटिटी का रिसीव हुआ है किससे रिसीव हुआ है और कहाँ भेजने के लिए रिसीव हुआ है उसकी पूरी जानकारी देगा मालगाड़ी के कौन से डब्बे में वो गुड्स आपका रखा गया है इसकी जानकारी भी उसके अंदर दी जाती है डॉक्यूमेंट तीन कॉपीज में बनता है क्योंकि कितने आदमी थे तीन एक कंसाइनर एक कंसाइनी और एक रेलवे दट इज ट्रांसपोर्टर इनमें से तीन में से एक कॉपी रख लेता है रेलवे डिपार्टमेंट अपने पास और दो कॉपीज कंसाइनर को वापस कर देता है उन दो कॉपीज में से कंसाइनर एक कॉपी एडवांस में ही कंसाइनी के पास भेज देता है इस तरह से एक एक कॉपी तीनों के पास बट जाती है जब रेल छुक छुक करती हुई यहां पर पहुंच जाती है आगे यहां पर ये यह रेल तो मालिक ये मैंने अलग से लगाई है कुछ पिक्चर्स ना अलग से लगाई हैं किताब में नहीं है ये ताकि चीज़ों को और अच्छे समझा सकूं तो ये अलग से है पिक्चर ठीक है आप परेशान मत होना तो यहां पर जब ट्रेन पहुंच जाती है तो अब ये जो बंदा है अपने गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए यहां पर पहुंचेगा अब रेलवे वाले किसी भी एवं व्यक्ति को थोड़ी ना डिलीवरी पकड़ा देंगे वो कहेंगे कि भाई हम कैसे मान लें कि यू आर द राइट पर्सन यू आर द राइट पर्सन टू गेट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स तो फिर वो यहां पर बिल्टी की कॉपी दिखाता है बिल्टी की कॉपी देखने के बाद रेलवे ऑफिसर बोलेगा यही है राइट चॉइस बेबी आहा तो यहां पर वो बोलेगा यही सही व्यक्ति है उसके आधार कार्ड और जो पैन कार्ड वगैरह है जो आई हैं उनको भी ले लेगा एंड इस व्यक्ति को गुड्स हैंड कर देगा और बता देगा कि देख बिल्टी से मैच कर ले ये बिल्टी उस समय की बनी हुई है कि आपके कंसाइनर ने हमें क्या और कितना दिया था आप मैच कर लीजिए वही और वैसा ही आप डिलीवरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अगर इसमें मिसमैचिंग मिलती है तो फिर दिक्कत वाला काम है पता लग जाएगा कि भाई उसने क्या दिया उसने कंसाइनर ने गलत दिया है या रेलवे वालों ने कहीं बीच में घपला कर दिया है तो ट्रैक हो जाता है कि प्रॉब्लम कहां पर हुई है तो बिल्टी इज ए डिलीवरी डॉक्यूमेंट कि सही व्यक्ति के हाथों में सही गुड्स की डिलीवरी हो जाए पुराने समय में हिंदी मूवीज के अंदर भी इस प्रकार की हम बात किया करते थे एक तरफ से हथियारों का कंसाइनमेंट आता था काली पहाड़ी पर दूसरी तरफ से हीरो का थैली लेकर आता था एक दूसरा बंदा और वो आपस में एक्सचेंज करते थे इनको तो क्या वो सही व्यक्ति के हाथों में डिलीवरी दे रहे हैं ये एश्योरेंस के लिए एक फटा हुआ नोट इस्तेमाल किया जाता था मान लो दस रुपए का नोट है उसके फाड़ के पहले से दो टुकड़े अलग अलग दे दिए जाते थे वह आपस में टुकड़ों को मिलाकर देखते थे और अगर टुकड़े मिल गए तो एक्सचेंज हो जाएगा और टुकड़े नहीं मिले तो वहां गोलीबारी हो जाया करती थी वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट था इसी चीज को फॉर्मलाइज कर दिया गया बिल्टी के रूप में आकर तरीके से बिल्टी जो शब्द है ये आपका डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हो तो बिल्टी का नाम बदल के रख दिया जाता है बिल ऑफ लीडिंग अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन वेसल के थ्रू हो रहा है तो इट इज कॉल्ड बिल ऑफ लीडिंग अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर हो रहा है तो इसी बिल्टी का नाम बदल के रख दिया जाता है एयरवे बिल और अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बाय सरफेस हो रहा है तो इसी डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया जाता है डिलीवरी ऑर्डर डॉक्यूमेंट वही है नाम अलग अलग हो जाते हैं इसकी पैकिंग चेंज कर दी जाती है माल वही है बिल ऑफ रीडिंग के बारे में भी वही कंसेप्ट काम करेगा अब डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को जरा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं <coughs> हमने मान लीजिए इंपोर्ट का मैटर है और वहां का जो एक्सपोर्टर आदमी है उसने जो अपना गुड्स है है वो इस शिपिंग कंपनी को कर दिया है। अभी जो शिपिंग कंपनी है शिपिंग कंपनी का जो वेसल का जो इंचार्ज आदमी होता है वेसल का इंचार्ज कौन होगा उसका जो मास्टर है उसका जो कैप्टन है मास्टर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैप्टन वर्ड हवाई जहाज में यूज करते हैं उसका जो मास्टर ऑफ द वेसल है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो यहां पर उस डिलीवरी डॉक्यूमेंट को तैयार करे बिल ऑफ लीडिंग को तैयार करे तीन कॉपीज में तैयार होगा एक कॉपी एक्सपोर्टर नहीं दो कॉपी एक्सपोर्टर को दे देगा एक कॉपी अपने पास में रखेगा एक्सपोर्टर उन दो कॉपीज में से एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी एडवांस में इंपोर्टर को भेज देगा जब वैसल के थ्रू माल इंडियन कस्टम पोर्ट पर आएगा तो जो इंपोर्टर आदमी है वो अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट आता है बिल ऑफ एंट्री उसमें गुड्स की पूरी डिटेल होती है असेसमेंट के के लिए होता है वो बिल एंट्री। बिल ऑफ ऑफ एंट्री एंट्री साथ साथ सपोर्ट में लगाएगा बिल ऑफ लीडिंग यही वो व्यक्ति है जिसके हाथों में गुड्स की डिलीवरी दी जानी उसका नाम पता सब कुछ लिखा हुआ होगा जो कि एक्सपोर्टर ने बताया था ट्रांसपोर्टर को उस समय जब बिल ऑफ लीडिंग बन रहा था तो जब ये बिल ऑफ रील्डिंग प्रोवाइड करा देगा तो यहाँ पर जो शिपिंग कंपनी वाले हैं वो बोलेंगे ओहो यही है राइट चॉइस बेबी आहा तो इसके बेसिस पर उन्हें सही व्यक्ति की पहचान होती है और वो सही व्यक्ति के हाथों में गुड्स की डिलीवरी दे देते हैं यानी कि पूरा फ्लो वैसे ही चलता है जैसे बिल्ट के, के केस में चलता है एंड सेम थिंग ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ बाई एयर एंड बाई सरफेस ऑल्सो कि यहां बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी ने बनाया है दो कॉपी सेंडर यानी एक्सपोर्टर को दे दी कंसाइनर को एक कॉपी वो अपने पास रखेगा एक कॉपी भेज देगा रेसिपिएंट को यानी कि इंपोर्टर को और एक कॉपी ट्रांसपोर्ट अपने पास रखता है फिर वहां जाकर मैचिंग होती है और बात बन जाती है आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आ गई है तो हाँ बोलो हाँ हाँ सर जी आ गई है दैट्स ग्रेट <laughs> अब आगे बढ़ते हैं मालिक आगे क्या निकल के आता है आगे आ रहा है यहां पर छोटा सा प्रोसेस आपका आने वाला है कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है जब हम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं और बिल ऑफ लेडिंग यहां पर सबसे पहले तैयार किया जाता है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हाउ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हु कौन बनाएगा यानी कि जो ट्रांसपोर्टर है ट्रांसपोर्टर का जो पर्सन इंचार्ज होता है पर्सन चार्ज मतलब कन्वेंस का इंचार्ज वैसल केस में मास्टर है हवाई जहाज केस में कैप्टन है उसका <coughs> रेलवे के केस में उसका ड्राइवर हो गया और ट्रक के केस में भी उसका ड्राइवर हो जाता है ये कन्वेंस के इंचार्ज को बोलते हैं पर्सन इंचार्ज वो बनाता है क्यों बनाता है ताकि सही हाथों में गुड्स की डिलीवरी दी जा सके कब बनाता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग बनाता है कैसे बनाता है तीन कॉपीज में बनाता है यहां से अब गाड़ी आगे बढ़ी है गाड़ी चली है छलांगा मार दी फिर यहां पर एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है इम्पोर्ट मैनिफेस्ट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मान लीजिए गर्मियों का समय है और कड़ाके की धूप पड़ रही है तपती हुई धूप पड़ती है दो बजे का समय था आप घर में अकेले थे अकेला दिमाग शैतान का होता है आपके दिमाग में खुराफात आ रही थी इतने में ही क्या होता है आपकी रैंप पर कोई चढ़ा चला आ रहा है और आपके डोरबेल बजाता है, आप क्या करेंगे? आप पागलों की तरह भागे-भागे जाएंगे, और वहां पर जाकर दरवाजा खोल देंगे उस अजनबी व्यक्ति को अपने ड्राइंग रूम में लाके बिठाएंगे आप चाय वाय देने के बाद फिर पूछेंगे तुम कौन हो तुम कहां से आए हो तुम क्या लाए हो वो बोलेगा मैं आतंकवादी हूं एक फोर्टी सेवन लाया हूं और ये लो डर डर खत्म क्या पैसा करते हैं नहीं जब आपके घर कोई बाहरी व्यक्ति आता अजनबी व्यक्ति आपके यहां आ रहा है तो आप उसको एंट्री देने से पहले घर में पूरा इन्वेस्टिगेट करते कौन कहां से क्या किससे मिलना है, है क्या मामला है जब आप संतुष्ट हो जाते तो ही आप अपना दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर बिठाते हैं अगर इसी बात को थोड़ा सा और ब्रॉडर टर्म दे दिया जाए तो क्या होता है मालिक कि इंडिया के बाहर से एक व्यक्ति इंडिया में मेरे घर में मेरे देश में देश रूपी घर में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर चढ़ा चला आ रहा है तो क्या उस अजनबी से आने से पहले पूछेंगे नहीं आपके घर के बाहर रैंप है ना मेरे इंडिया नाम के घर के बाहर भी एक रैंप है और रैंप छोटा मोटा नहीं, पूरे है, का है। एक नोटिकल माइल में घुस तो जाइए पर चल रहा है क्या मुझसे इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा ए! कौन है कहा जा रहा है क्या ला रहा है क्या मैटर है वो सब पूछेंगे उससे हम एडवांस में पूछेंगे उसके बाद जब संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है आजा कोई दिक्कत वाली बात नहीं वरना हट जा जाताऊ पाचे हटा देंगे उसे वहां से तो यही जो डॉक्यूमेंट है जो एडवांस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसी डॉक्यूमेंट का नाम है इंपोर्ट मैनिफेस्ट करके मालिक क्या रे इंपोर्ट मैनिफेस्ट के नाम से उसको बुलाया जाता है कौन बनाएगा ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट सोचिए जरा जिस वक्त का ये वाक्य है उस वक्त पिक्चर में कौन है कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं और पर्सन इंचार्ज है इंपोर्टर तो सो रहा है अभी अपने घर एक्सपोर्टर का काम खत्म हो चुका है तो यह डॉक्यूमेंट तैयार करेगा पर्सन इन चार्ज कि वो कौन है वैसल का नाम क्या है कहां से आ रहा है यहां तक कि जो मास्टर ऑफ द वैसल है उसकी सिटीजनशिप कहां की है पाकिस्तान की तो बंदूक के तनवा के पहले से रखो क्या ला रहा है एनिमल भर के आ रहे हैं बारूद ला रहा है आरडीएक्स ला रहा है ला क्या रहा है बे अगर कुछ सेंसिटिव चीज है तो थोड़ी सिक्योरिटी की अपनी व्यवस्था वैसी करते हैं हम तो पर्सन इन चार्ज पी आई सी ऑफ द कन्वेंस वो बनाकर देगा सिक्योरिटी के के लिए लिए देता है साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट आप अच्छे से जानते हैं मालिक कि यहां पर पूरा कंजेशन होता है और इसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आ रहा है आपके घर में भी जब कोई रिलेटिव आने वाले होते हैं तो आप पहले कंफर्म नहीं करते कौन से दिन आ रहे हो और कब तक आ रहे हो ताकि घर में कोल्ड ड्रिंक बिस्किट नमकीन मिठाई वगैरह सबके व्यवस्था कर सके ऐसे ही पोर्ट पर व्यवस्था की जाती है कि कितने कंटेनर ऑलरेडी पड़े हुए हैं कितना माल आ रहा है कहां पे रखवाया जाएगा एंड ऑल थिंग्स तो क्या ला रहे हो और कितना ला रहे हो ये सब और कब तक आ रहे हो ये भी पूछा जाता है तो यही सारी जानकारी दी जाती इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये बोलते हैं बिफोर अराइवल एट पोर्ट पर आने से पहले आप कभी भी दे दो ऑब्वियस ियस बात है एडवांस में दी जा रही है तो आने से पहले ही दी जाएगी लेकिन अगर मामला हो व्हीकल का तो व्हीकल के केस में जो ट्रक ड्राइवर है क्या आप उससे उम्मीद करते हो कि वो बॉर्डर आने से पहले चार पांच किलोमीटर पहले ट्रक को साइड लगा लेगा लैपटॉप निकालेगा आइस गेट की वेबसाइट होती है आईसी गेट डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पर जाएगा वहां जाकर वो अपना अंग्रेजी में इंपोर्ट मैनिफेस्ट नाम का डॉक्यूमेंट भरेगा और सबमिट कर देगा जिसको ट्रक चलाना आता है क्या वो लैपटॉप चलाना जानता होगा अगर लैपटॉप चलाना जानता तो वो ट्रक न चला रहा होता इंडिया के सिनेरियो में ये जमशन बिल्कुल ठीक बैठती है तो उसको बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं तो एडवांस में मत दियो तो यहां पे आ जा और आने के बारह घंटे के अंदर बता देना लस्सी वस्सी पीपा के ड्राइवर जी कि भाई आप कहां से लाए हो क्या लाए और वैसे भी सरफेस का मैटर है सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता बॉर्डर पर फौज लगी पड़ी है भाई साहब हमारे ठीक है तो व्हीकल के केस में रिलैक्सेशन दिया है कि आप आने के बाद भी दे सकते हो विद इन ट्वेल्व आवर तो ये मेन बात होगी सिक्योरिटी पर्पज के लिए और दूसरा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है और पर्सन इन चार्ज की ऑब्लिगेशन होती हैं जो मास्टर ऑफ द वेसल है वो बस लैपटॉप लेके लगा रहता है सिखाया तो यही जाता है मन में धारणा तो यही है कि जो मास्टर ऑफ द वेसल है वो जहाज चलाता है जहाज वो नहीं चलाता उसके नीचे फर्स्ट ऑफिसर सेकंड ऑफिसर होते हैं वो जहाज चलाते हैं वो तो बस अपना कैबिन में बैठ के काम करता रहता है हालांकि अल्टीमेट जिम्मेदारी उसी की होती है उसी के सुपरविजन में फर्स्ट ऑफिसर एंड सेकंड ऑफिसर जहाज चला रहे होते हैं वो बस मेल मेल चलता रहता है डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करते रहता है उसके बाद आपका गुड्स यहां एमसीपी एमसीपी का मतलब हो गया मुंबई <laughs> मुंबई कस्टम पोर्ट हो गया मालिक वो मुंबई कस्टम पोर्ट पर यहां अपना आ जाता है और यहां आने के बाद इंपोर्टर अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए यहां आएगा आने पर सबसे पहले उसे क्लियरेंस डॉक्यूमेंट आइस गेट की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एंट्री दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर क्लियरेंस पर्पस फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट यह सबमिट करेगा <coughs> <coughs> सबमिट करने के बाद में साथ में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाएगा बिल ऑफ लीडिंग की हाँ यही है राइट चॉइस बेबी आहा और साथ में अगर वो प्रेफरेंशियल रेट क्लेम कर रहा है तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी लगाएगा और कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और भी लगाए जाते हैं लगाने के बाद आई की वेबसाइट पर जाकर उसे फाइल कर देता है तो यहां पर पूछा गया भैया कौन फाइल करेगा इंपोर्टर कब फाइल करेगा ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स जब गुड्स अराइव हो जाएगा समटाइम्स एडवांस में भी फाइल करना होता है वो इसलिए अराइवल से दो तीन दिन पहले अगर फाइल कर देता है डॉक्यूमेंट तो उसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाती है जिससे कि क्या होगा कंसाइनमेंट जैसे ही अनलोड होता है वो फटाफट यहां पर पेपर वर्क ऑलरेडी पूरा हो चुका है फटाफट से उसकी क्लियरेंस यहां पर हो जाएगी बिकॉज कस्टम पोर्ट भी लिमिटेड स्पेस अपना रख के चलते हैं जिससे कि यहां पर भीड़ भड़ाकर ना हो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा ना हो जाए इसलिए अराइवल की डेट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री And या फिर एडवांस में दोगे तो और ही अच्छा है <coughs> आगे एक और बात बोलते हैं कि कब देना हो, आ, वाई, क्यों देते? के लिए और ये कौन कौन सी बात की एफ ओबी क्या सीआईएफ क्या यहीं से बने एफ ओबी और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट फिर हमने देखा एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए क्या चाहिए होता है फिर हमने डिलीवरी डॉक्यूमेंट पड़ा बिल ऑफ रीडिंग एयरवेबिल एंड डिलीवरी ऑर्डर आप बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ लीडिंग में कंफ्यूज मत होना कभी कभी-कभी बच्चा परेशान हो जाता है बिल बिल्टी जैसा है, है है और बिल एंट्री इंपोर्टर फाइल करता है अपने को क्लियर कराने के लिए, जबकि किया जाता बाय द ट्रांसपोर्टर राइट ओके अब यहां से एक अहम बात आपके लिए शुरू हो रही है, है मालिक अगले डायग्राम के अंदर आकर यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फिल्म आप देख रहे हैं कस्टम एक ओवरव्यू आपके सामने चल रहा है इस फिल्म में पांच कलाकार हैं और पूरी कहानी इन पांचों कलाकार के आसपास ही घूमती रहेगी स्टोरी हल्के से बताएं एक व्यक्ति होता है पर्सन इंचार्ज जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है नंबर एक अपना ये आ गया नंबर दो तो एक व्यक्ति होता है यहां पर आकर मालिक आ, कस्टम ऑफिसर अपना इधर होता है जो कि तमाम प्रकार के लीगल एस्पेक्ट्स को चेक करता है हाँ दूंगा तनिष्क तो यहां पर लीगल एस्पेक्ट को चेक करता है ये उसके बाद जो आम, कस्टोडियन आदमी होता है ना मालिक कस्टोडियन आदमी ये कौन है सर ये पोर्ट का मैनेजर होता है जैसे अडानी ग्रुप हो गया ये पोर्ट का मैनेजर होता है पोर्ट के ऊपर जो भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग स्टफिंग डी स्टफिंग डिस्टफिंग जो भी वर्क हो रहा है पोर्ट पर लेबर वर्क जो हो रहा है सारा का सारा ये कस्टोडियन पूरा करके चलता है बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कस्टोडियन नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि या वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल लेकिन इंडिविजुअल नहीं एक बड़ी कंपनी होती है और जो उसको रन करती है पूरा पोर्ट संभालती है वो नंबर तीन पर होता है वेयर हाउस कीपर का कंसेप्ट आएगा कस्टम के अपने वेयर हाउस होते हैं तो एक वेयर हाउस कीपर इसमें एक रोल अदा करता है और पांचवा व्यक्ति आता है इसमें आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर का रोल बहुत कम होता है बस उसका काम अपना लोड कराना होता है और वो पिक्चर से गायब हो जाता है ज्यादा रोल बड़ा उसका नहीं है मुख्य कलाकार जो इस मूवी के हैं वो पांच हैं और हम पांचों के ही बस ऑब्लिगेशन ड्यूटीज राइट्स वगैरह ये सब देखते यहां पर मालिक रहेंगे और यही आपकी रेंज है रेंज देखा जाए तो कुछ ऐसे बट गए अगर मेरा इंडिया ये है तो यहां से यहां तक और बीच में आता है कस्टम डिपार्टमेंट इसी रेंज में ये पांचों व्यक्ति काम कर रहे हैं विश्वास मानिए मैं इस रेंज को बाहर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन रेंज में किस पॉइंट पर आकर एप्लीकेबल हो रहा है कहां पर लग रहा है ठीक <coughs> तो देखिए इसमें रोल बताते हैं जो आपका ये पर्सन इंचार्ज है ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट को प्रिपेयर करता है बनाता है कि भाई कौन आ रहा है कहां से आ रहा है क्या ला रहा है बिल ऑफ लेडिंग यही बनाता है चलते समय जब लोडिंग हो रही होगी पहले ये डॉक्यूमेंट बनेगा और जब पहुंचने वाला होगा इंडिया में तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनाएगा अपनी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो सब कलेक्ट करता है अगर पार्टी का सी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपोर्टर ने पेमेंट किया होगा पर्सन इन चार्ज को शिपिंग कंपनी को और अगर एफ है तो वो इंपोर्टर से जब वो क्लियरेंस के लिए आता है तो वहां पर पहले अपने ड्यूज चुकता कराता है उसके बाद ही उसे डिलीवरी वो दे पाता है तो ये इसके मुख्य रोल में ये आते हैं जो अपना ये कस्टोडियन आदमी है अनलोडिंग कराएगा लोडिंग हैंडलिंग एटसेट्रा सारे काम यही मैनेज करके चलता है और तमाम प्रकार के लीगल आस्पेक्ट असेसमेंट ड्यूटी का डिटर्मिनेशन कलेक्शन वगैरह जो भी है वो सब कस्टम अधिकारी यहां पर देखता है इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करता है ड्यूज का पेमेंट करके चलता है और गुड्स को लेकर अपने घर आ जाता है और कस्टम बॉन्डेड हाउस के अंदर जो अपने ये वेयर हाउस कीपर्स होते हैं मालिक ये वेयर हाउस रेंट वगैरह अपना पे करते हैं और उनको पे किया जाता है ये गुड्स की चौकीदारी भी करते हैं जब गुड्स वेयर हाउस में होता है एंड अपना किराया वगैरह लेकर ये गुड्स की क्लियरेंस यहां पर दे देते हैं तो इस प्रकार से इनका रोल आता है तो कुल मिलाकर पांच ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां पिक्चर में देखने के लिए मिलते हैं अब आ जाता है आपका डायग्राम नंबर पांच करके असल प्रोसेस आपकी यहां से शुरू होती है अब तक हम सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे अब एक दो रेसिपी आपको बनाकर दिखाते हैं कि देखिए कैसे सामान को इकट्ठा किया जाएगा तो यहां से मुख्य प्रोसेस अपना शुरू हो जाता है मालिक <coughs> सीन क्या है इंडिया इंडिया के बाहर से इंडिया तक लाने में क्या क्या सेक्शंस आपके लगते हैं अभी सेक्शन नंबर का ज्यादा लोड मत लीजिएगा आप लोग मैं आपको सारे सेक्शंस ना चाहते हुए भी याद करवा दूंगा माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू वहां सबसे पहले जब आपका या वैसल कोई भी इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो इंडियन लॉ के मुताबिक एक लगातार अनाउंसमेंट चलती रहती है क्या भला अनाउंसमेंट ये ऐसे चलती जैसे कि दशहरा मेला में कमेटी की अनाउंसमेंट चलती है कैसे भला एक बच्चा खो गया है जिसने लाल कमीज पहनी हुई है पापा का नाम टिंकू और मम्मी का नाम पम्मी बताता है जिस किसी का भी बच्चा है यहां कमेटी ग्राउंड में आकर हमसे ले लें ऐसे एक अनाउंसमेंट चलती रहती है इंडियन कस्टम लॉ के मुताबिक इंडिया के बाहर से आने वाले जो भी कन्वेंस हैं कान खोल कर सुन लीजिए आना है तो यहीं आना है कहीं और नहीं जाना है यहीं आना मतलब मतलब यह कि कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर ही आना है अगर आप किसी एरे गहरे पोर्ट या कस्टम पोर्ट पर गए तो आप किस हरकत को स्मगलिंग आपको स्मगलर और आपके गुड्स को स्मगल गुड्स बोल दिया जाएगा और उसके बाद आपको जेल में और गुड्स को भरे बाजार बेदर्दी के साथ नीलाम कर दिया जाएगा सुनो 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 तो ऐसी अनाउंसमेंट चलती रहती है कि आना है तो यही आना है कहीं और नहीं जाना है कस्टम पोर्ट पर क्यों क्योंकि डर लग रहा है इस स्मगलिंग का इस स्मगलिंग ना हो जाए इस स्मगलिंग क्या कि सरकार की नजरों से कहीं ये गुड छिपा ना लिया जाए छिप गया तो ड्यूटी गई ब्लैक मनी की तरह ये भी काउंट हो जाएगा स्मगल गुड्स बन जाएगा लेकिन इसमें कुछ क्वेरीज आई जो पर्सन इन चार्ज है कन्वेंस का उसने कहा साहब मान लीजिए मैं हवाई जहाज से आ रहा हूं, मेकर जी। और मेरे जहाज में धुए उठ रहे हैं तो मैं क्या करूं तो मेकर ने जवाब दिया कि एक काम करना बेटा अगर ऐसे में तो जिद करेगा कि कस्टम एयरपोर्ट पर ही आना है फिर तू नीचे कभी आ ही नहीं पाएगा ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा मलबा आएगा नीचे जहाज का इसलिए बेटा अगर इमरजेंसी है वेदर की कोई समस्या है मौसम खराब है कोई और है, और कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है तो तुम इमरजेंसी लैंडिंग करा देना कहीं पर भी चाहे किसी हाईवे पर खेतों में जहां तुम्हें ठीक लगे वहां करा देना लेकिन ठहरो इमरजेंसी लैंडिंग होते ही आप अपना फुनवा निकालना और फोन निकाल के आप नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को अपनी इस इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना देना अगर कस्टम ऑफिसर का नंबर ना लगे तो पुलिस कंट्रोल रूम में आप नंबर डायल कर देना और जब तक कोई सरकारी अधिकारी ना आ जाए कस्टम डिपार्टमेंट का या पुलिस ऑफिसर ना आ जाए तब तक तब तक आप गुड्स की कोई अनलोडिंग नहीं करेंगे डर किस बात का है स्मगलिंग का और जहाज के अंदर जो पैसेंजर लोग बैठे हुए हैं वो भी जहाज के नियर बाई एरिया को छोड़कर नहीं जाएंगे नियर बाई एरिया मतलब जैसे मान लीजिए आप बस में बैठ के जा रहे हैं बस किसी ढाबे पर रुकती है तो वहां कुछ लोग पकड़े खाते कुछ सिगरेट पीते हैं कुछ टॉयलेट वगैरह करने चले जाते हैं वो आस के सौ दो मीटर के एरिया में होते हैं दैट इज कॉल्ड नियर एरिया डर किस चीज का का है इस स्मगलिंग का, कि जब तक सरकारी अधिकारी ना आ जाए गुड्स की अनलोडिंग नहीं होगी और ना ही कोई व्यक्ति नियर बाई एरिया को छोड़कर बाहर जाएगा पर्सन चार्ज ने पूछा एक और क्वेरी है इंच क्या मान लो इन बिटवीन जब तक अधिकारी नहीं आया है अगर कुछ ऐसी खबर मिलती है बम 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 तो ऐसे में क्या करें गुड्स की लोडिंग ना करूं क्या पैसेंजर को पकड़ करके बैठ जाता दर, फटता है तो फटने दे ऐसे करें नहीं तो मैं करने का बेटा अगर ऐसी कोई दिक्कत है यानी जान और माल का अगर कोई डर है तो एक काम करना एक शब्द याद रखना भागो वहां से सबको भगा देना

इम्पोर्ट मैनिफेस्ट का जिक्र किया गया आने से पहले बता दे कौन है <coughs> <coughs> कौन है तू कौन है तेरा नाम क्या तू कौन है तू से आ रहा है तू क्या ला रहा है और तुम कब आ रहे हो जब हम छोटे थे बस में बैठ के स्कूल जाया करते थे पब्लिक बस में बैठ के तो बस के आगे डैशबोर्ड पे लिखा होता एक लड़की छपी हुई होती थी और वो यूं करके बड़े बैठी होती थी उस पर लिखा होता था नीचे घर कब आओगे <laughs> तो ये भी पूछ रहा है घर कब आओगे कब तक आ रहे हो ताकि हम आपके लिए अकॉर्डिंगली व्यवस्था कर सके तो यहां पर ये वाली बात पूछी जाती है मालिक सर ये कस्टम ड्यूटी सीएमए इंटर के दिसंबर के लिए हेल्पफुल होगा ओ यस 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 बिल्कुल होगा वैसे सीए इंटरमीडिएट का मैंने स्पेसिफिक बैच बनाया है इक्का दुक्का चैप्टर जो सीए फाइनल में लगता है बट सी सीएमए इंटर में नहीं लगता है तो वो मैंने कट करके अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन किया है इंटर का बैच बहुत शानदार है ठीक <coughs> है सर जी ये हो गया जी अब ये क्या सर इंपोर्ट रिपोर्ट अरे भैया जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट है ना उसी डॉक्यूमेंट का नाम व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट रखा गया है सर ऐसा क्यों कर रहा है ये मतलब तीनों के मोड में एक नाम नहीं हो सकता क्या देखिए मैं आपको बताऊं क्या था कि पहले इनके लिए ना अलग अलग एक्ट बने हुए थे अलग अलग एक्ट के चलते इन डॉक्यूमेंट के नाम भी अलग अलग थे जब इनकी मर्जिंग हुई कस्टम एक्ट नाइन के अंदर आकर तो जो जिसका नाम था वो वैसा ही रख लिया गया चीज वही है नाम थोड़ा सा डिफरेंट है है मैनिफेस्ट शब्द इस्तेमाल होता हवाई जहाज और वैसल के केस में जबकि इम्पोर्ट रिपोर्ट शब्द इस्तेमाल होता है आपके व्हीकल के केस में यूज किया जाता है मेरे बच्चा कबूतर ठीक है सर जी आगे 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 आके सेक्शन थर्टी वन आपका स्वागत करेगा आपका जहाज आकर रुक चुका है रुकने पर क्या होगा क्या सीधा अनलोडिंग शुरू हो जाएगी ना मालिक। ये ऐसा नहीं है यह रिक्शा नहीं ऑटो रिक्शा नहीं है यह कि बस अगला पहिया घुस जाना चाहिए भाई साहब पिछला एरिया तो अपने आप आ ही जाएगा कि जिसका नंबर पड़े वो अनलोडिंग के लिए अपने गुड्स को लगा दे वैसलगुला के साइड पे लगा दे ऐसा नहीं है जो आपके ये होते हैं ना पोर्ट बने हुए होते हैं तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये यह पोर्ट बना हुआ है एक सपोज कीजिए तो बाबू जैसे आपने एयरपोर्ट तो पक्का देखे होंगे तो एयरपोर्ट्स पर भी से मैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी दिल्ली की बात करता हूं यहां पे टर्मिनल वन बना हुआ है टर्मिनल टू बना हुआ है टर्मिनल थ्री बना हुआ है और ट्रैफिक को अकॉर्डिंगली डाइवर्ट करके रखते हैं <laughs> <laughs> तो ऐसे ही ये जो आपके पोर्ट होते हैं दस दस ग्यारह ग्यारह किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं ऐसे समंदर किनारे और जिस पे अलग अलग टर्मिनल्स बने होते हैं टर्मिनल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके कि भाई टर्मिनल वन पर एनिमल्स आए हैं तो वो वहीं उतरेंगे उनके उतरने की थोड़ी डिफरेंट व्यवस्था होती है वो ऐसे कर रखी है कोयला है तो टर्मिनल नंबर दो पर ही अनलोड होगा तो ऐसे कर करके उन्होंने बर्थ वगैरह बना रखी होती है अनलोडिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी होती है जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर वो नहीं होते हवाई जहाज जहां पर आकर रुकता है तो बिल्डिंग से ही आप सीधा हवाई जहाज में एंट्री कर जाते हैं तो उस प्लेस को बोलते हैं बर्थ तो ऐसे ही हर एक टर्मिनल पर मल्टीपल बर्थ बनी हुई होती है जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर टर्मिनल पर बर्थ बनी हुई हैं जहाज वहां के सट जाते हैं और आप उसमें से चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं ऐसे ही गुड्स के लिए होता है यहां पर आकर तो अब ये जो वैसल वाला है आ तो गया है लेकिन भाई साहब ये बता दीजिए कि अब अनलोडिंग वगैरह कैसे होगी इसमें से तो इसके लिए कंसेप्ट बना रखा है अनलोडिंग परमिशन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो अनलोडिंग परमिशन कौन देगा लोडिंग अनलोडिंग कौन है? हैंडल करता है कस्टोडियन तो कस्टोडियन यहां पर बताएगा इससे रिटर्न में रिक्वेस्ट की जाएगी शिपिंग कंपनी के द्वारा और वो बताएगा कि आपके जो अनलोडिंग है आज से दो दिन बाद टर्मिनल नंबर चार पर बर्थ नंबर ए फोर पर यहां पर आपकी अनलोडिंग शुरू हो जाएगी इतने बजे इसे बोलते हैं अनलोडिंग परमिशन अंग्रेजी में नाम दिया जाता है इसको एंट्री इन मेरा नंबर कब आएगा उसके लिए इसकी बात करी जाती है मालिक ठीक है तो एंट्री इनवार्ड यहां पर मांगी जाएगी पर्सन इंचार्ज मांग लेगा और उसके बाद आपका जो गुड्स है यहां पर कस्टोडरी कस्टडी में आकर अनलोड करवा दिया जाएगा तो यह था प्रोसेस इंडिया के बाहर से इंडिया तक आने का तो तीन मुख्य सेक्शन यहां पे लग जाते हैं और मुझे बताइए इस समय जो टाकिंग चल रही है वो किससे चल रही है पर्दे पर फिल्म के पर्दे पर कौन मौजूद है सर पर्सन इंचार्ज ही मौजूद है बस उसी ने बिल ऑफ लीडिंग बनाया था वही उसी को हिदायत दी गई कि आना है तो यहीं आना है उसी ने इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की है और उसने अनलोडिंग परमिशन लिया बाकी पिक्चर में कोई और नहीं है गुड्स आपका अनलोड हो चुका है अभी अनलोड हुआ क्या जब अनलोड हो रहा होगा तो वहां पर पता है बैक टू बैक एक नहीं दो नहीं तीन सेक्शन बैक टू बैक वहां पर लगते हैं आपने बताया था कि आप यहां इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बोला था कि आप एयर गन लेकर आ रहे हैं तो जो उसने बताया है क्या वही चीज एक्चुअल में अनलोड हुई है उतनी ही क्वांटिटी में या कुछ और मिसमैचिंग है क्या इस बात की चेकिंग नहीं की जाएगी ऐसा तो नहीं कहीं एयर गन के नाम पर एक की फोर्टी सेवन अनलोड कर दी गई हो यह बताई हो सौ और अनलोड कर दी हो ढाई सौ ऑन पेपर सौ दिख रही है एक्चुअल में ढाई सौ है तो यह स्मगलिंग का केस बन जाएगा डेढ़ का तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि ओनली दो गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट एट दैट पोर्ट कि जितना लिखा है जो लिखा है वही अनलोड होगा कुछ और अनलोड नहीं होगा ये थियोरिटिकल प्रोविजन है इस प्रोविजन के कंप्लायंस के लिए यहां पर सेक्शन थर्टी फोर ने बोला है कि भाई जब अनलोडिंग हो रही होगी तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट की एक कॉपी कस्टम अधिकारी लेकर पहुंचेगा अनलोडिंग के वक्त और देखेगा लीगल एस्पेक्ट को कि जो बोला गया है जो बोले सोनेहाल जो बोला गया है वही अनलोड उतनी ही क्वांटिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है और सेक्शन थर्टी थ्री बोलता है अनलोडिंग होगी ओनली एट अप्रूव्ड प्लेस इधर उधर अनलोडिंग नहीं करेंगे ये डर किस बात का है डर है मालिक यहां पर आकर स्मगलिंग का आपने देखा होगा अगर आप जैसे मान लीजिए दिल्ली से लोकल ट्रेन चलती है गाजियाबाद फरीदाबाद के लिए तो उसमें कुछ व्यापारी लोग सामान समून लेकर आते हैं और रेलवे स्टेशन आने से पहले ही सामान को ट्रेन से फेंक देते हैं नीचे उनके आदमी खड़े होते हैं सामान को लेकर चले जाते हैं ताकि कोई किसी प्रकार कर, का टैक्स वैक्स का झगड़ा ना पड़े तो आप भी कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे अपने सामान को कि डिपार्टमेंट्स के नजरों से चुराने की बात नहीं करेंगे जहां बोला गया है वहीं पर ही आप अपने गुड्स को अनलोड करके चलेंगे ऐसी वाली बात मालिक यहां पर बोली जा रही है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हां सर एकदम ठीक है तो तीन सेक्शन आए बत्तीस ने बोला ओनली दैट गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर इंपोर्ट मैनिफेस्ट थर्टी थ्री ने बोला अनलोडिंग होगी अप्रूव प्लेस पर थर्टी फोर बोलता है कि अनलोडिंग के वक्त आपका ऑफिसर वहां पर मौजूद होगा और ऐसे करके आपके गुड्स की एक्चुअल में अनलोडिंग हो जाती है और गुड्स धड़ाम से आपके डेस्टिनेशन पोर्ट यानी इंडियन पोर्ट पर आकर टिक चुका है टिकने के बाद अब मुझे बताइए पर्दे पर कौन सा आदमी आएगा सर अब पिक्चर में आएगा अराइवल हो चुका है गुड्स का अब आएगा यहां पर इंपोर्टर और इंपोर्टर इस गुड्स को छुड़ाने के लिए आएगा यहां लिखा है डायरेक्ट क्लर्स फॉर होम कंजम्पशन होम का क्या मतलब है मैं तो शुरू से होम का मतलब इंडिया लेके चल रहा हूं 140 करोड़ लोगों का परिवार है ये इंडिया इंडिया के लिए कंजम्पन करने के लिए इंडिया में कंज्यूम होगा इस इंटेंशन के साथ आप इसे यहां से क्लियर करा रहे हैं तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक अब इस पर इंपोर्ट ड्यूटी का लोड आ जाएगा क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी आप अनुमान लगा सकते हैं सबसे पहले इंपोर्टर आइस गेट की वेबसाइट पर जाएगा वहां पर जाकर वो अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा टक 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 ओवर भी चल रहा है हेलीकॉप्टर भी चल रहा है ध्यान दीजिएगा स्टेप नंबर ए पर <laughs> बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और अपनी ड्यूटी को खुद असेस करेगा बिल ऑफ एंट्री में सारी डिटेल होती है भेजने वाला एक्सपोर्टर कौन है इंपोर्टर कौन है गुड्स की क्वालिटी क्वांटिटी, सफेदी झाग वैल्यू ग्रेड है ना एंड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है रेट ऑफ ड्यूटी क्या है ड्यूटी कितनी बनती है वो पूरा सेल्फ असेसमेंट वहां पर वो करके चलता है मालिक सेल्फ <coughs> असेसमेंट करेगा और सेल्फ असेसमेंट एक सेकेंड सेल्फ असेसमेंट जब हो जाता है तो मान लीजिए उसने ड्यूटी निकाली अपनी कि भाई मेरी एक लाख की ड्यूटी बनती है उसे वो ड्यूटी उसी वक्त पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाए इनवाइस लगाया पैकिंग लिस्ट लगाई सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन लगाया बिल ऑफ लीडिंग लगाया एंड ऑल ये पैकिंग लिस्ट क्या होती है सर <laughs> पैकिंग लिस्ट बनाता है एक्सपोर्टर दस कंटेनर आपने वायर मंगाया है वायर कोई दस एम mm की वायर है कोई दो एम mm की वायर है और वो कंटेनर के अंदर भरी हुई है तो कौन सी वायर किस नंबर के कंटेनर में है ट्रक साइज जो कंटेनर होते हैं तो ये तो एक्सपोर्टर को पता जब उसने स्टफिंग कराई होगी इनकी तो जैसे कंटेनर में सामान भरा जाता है

दो एम का वायर देखना तो वो देख सकता है कौन से कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर को खोलकर उसे वो चेक कर सकता है ऐसी वाली बात मालिक यहां पर बोल दी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आपने यहां पर सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में ड्यूटी अपनी भर दी है उसके बाद यहां आता है स्टेप नंबर बी करके मालिक बी नंबर पे वो उसे वेरीफाई करेगा वेरीफाई करेगा सेल्फ असेसमेंट को नॉट सेटिस्फाइड देन उसको यहां पर आकर रीअसेस करेगा सब कुछ ठीक था तो ओके लेकिन अधिकारी ने कहा कि आपने सेल्फ असेसमेंट कम का किया है तो क्या करेगा वो वो करेगा कुछ नहीं मालिक रीअ कर देगा दोबारा से करेगा और मान लीजिए उसने ड्यूटी निकाली डेढ़ लाख रुपए की तो एक लाख तो आप दे ही चुके थे पचास हजार आपको और देना होता है विद इन वन वर्किंग डे अगर विद इन वन वर्किंग डे में आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर पंद्रह परसेंट पर एनम के हिसाब से डेज बेसिस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है ठीक लिखा है कि अगर डेढ़ लाख हो गई तो आपको पंद्रह परसेंट अगर वन वर्किंग डे में भरना पड़ेगा नहीं भरा एडिशनल अमाउंट तो ये ब्याज लगना शुरू हो जाएगा उसके बाद में <coughs> फिर क्या होता है यहां से चीज और भी चेक करी जाती है कि आपने अपने जो ड्यूटी का पेमेंट है उसके साथ साथ आपको बाकी ड्यूज का पेमेंट भी करना पड़ता है दैट इज आपको ना ऑल एनओसी देनी पड़ती हैं साथ में ऑल एनओसी का मतलब क्या इंपोर्टर के अलावा और चार व्यक्ति हैं देखो उन चारों में से किस किस का पेट और भरना है एक्सपोर्टर का अलग मैटर पड़ गया ट्रांसपोर्टर से एनओसी लाकर देनी होती है कि हाँ उसका भाड़ा दिया जा चुका है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्टर तो एक्सपोर्टर ने दे दिया होगा उसका प्रूफ देना पड़ेगा एनओसी लेनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर से एफ ओबी कॉन्ट्रैक्ट था तो इंपोर्टर को खुद देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को उसकी पे करने के बाद एनओ सी चाहिए जो कस्टोडियन आदमी है उसका पैसा पोर्ट ड्यूज के नाम से कस्टोडियन को जाता है उसकी एनओसी चाहिए ये सारी एनओसी और जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे कर दी उसकी एनओसी चाहिए सारे ड्यूज अगर आपने पे कर दिए जिसका जितना बनता है तो उसके बाद यहां से आपके लिए एक गेट पास बना दिया जाएगा क्लियरेंस ऑर्डर बना दिया जाएगा जो कस्टोडियन आदमी है वो ऑलवेज कस्टम अधिकारी के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है मूवी देखी होगी शायद आपने बंधन जयकि श्रॉफ एंड सलमान खान की है जयकि श्रॉफ जीजा है सलमान खान साले हैं उनके तो है एक बड़ा फेमस डायलॉग है मूवी के अंदर कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा तो यहां पर कस्टोडियन भी यही कहता है कि जो कस्टम डिपार्टमेंट बोलेगा मैं वही करूंगा बिना कस्टम डिपार्टमेंट की परमिशन के यहां पर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता पोर्ट पर आकर तो सारे ड्यूज रिकवर होने के बाद में कस्टम अधिकारी यहां से जो आईआरएस ऑफिसर है क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर देता है उस क्लियरेंस ऑर्डर की कॉपी इंपोर्टर कस्टोडियंट को ले जाकर देगा एंड देन कस्टोडियन उसकी यहां पर गुड्स की डिलीवरी मालिक दे देता है और गुड्स को लेकर वो अपने घर आ जाता है तो बड़ा सिंपल तरीका है आप गए आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की फाइलिंग कर दी वहां पर जाकर सेल्फ असेस ड्यूटी भर दी सारे डिपार्टमेंट से एन ओ सी जमा कर दी गेट पास यानी क्लियरेंस ऑर्डर बनेगा और उसके बाद फिर कस्टोडियन आपको आपका गुड्स ले जाने वहाँ से देगा और आप अपने गुड्स को लेकर अपने घर पर आ जाओगे तो एक काम करते हैं आज की कथा को हम यहीं तक रख के चलते हैं बाकी कथा अगली क्लास में हमारी डिस्कस करी जाएगी ऐसे करके तो आज हमने क्या क्या सीखा है उसे देख लेते हैं मालिक तो हमने यहां पर आकर बात करी बाबू मेरे यहाँ यहां से हमारी प्रैक्टिकली शुरुआत हुई थी टैक्स क्या है वन लाइन में रिविजन दे रहा हूं मैं आपको आज का व्हाट इज टैक्स कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टैक्स दो तरह का जिसको लगा है बर्डन भी उसी पे पड़ा तो डायरेक्ट टैक्स लगा एक को दर्द कहीं और हो रहा है इट इज इनडायरेक्ट टैक्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जहां पर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होते हैं उसी कंट्री या स्टेट को पैसा पाने का रेवेन्यू पाने का अधिकार होता है यहां पर पहला चार्ट आया इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी जो कि नौ तरह की है और एक्सपोर्ट करेंगे तो चुनिंदा आर्टिकल्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है पहले तीन अलग अलग एक्ट थे फिर उसको बनाया गया कस्टम एक्ट नाइनटीन और कस्टम टैरिफ एक्ट को बना दिया गया सॉरी इंडियन टैरिफ एक्ट को बना दिया गया कस्टम टैरिफ एक्ट फाइव कस्टम एक्ट के अंदर आपके सारे प्रोविजन दे रखे हैं लीगल प्रोविजन्स कस्टम टैरिफ एक्ट में आपके रेट्स दे रखे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी के इम्पोर्ट ड्यूटी के इम्पोर्ट ड्यूटी के रेट दो तरह के हैं स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल तब लगता है जब मोस्ट फेवर्ड नेशन से गुड्स आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन एक स्टेटस एक दर्जा है जो कंट्री देकर चलता है और उस मोस्ट फेवर्ड नेशन में अगर एक कंट्री को बेनिफिट दिया गया है तो फिर वो बेनिफिट बाकी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जितने भी आपके हैं उस पूरे कार्टेल को दिया जाता है पाकिस्तान एज ऑफ नाउ मोस्ट फेवर्ड नेशन में हमारे लिए नहीं है और पाकिस्तान के लिए हम कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन लिस्ट में नहीं रहे यहां पर अगर आप ऐसे मोस्ट फेवर्ड नेशन से गुड्स लेकर आ रहे हैं इंपोर्टर जी तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ वर्जन गुड्स का बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एक्सपोर्टर कंट्री के गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सपोर्टर को देगी एक्सपोर्टर आपको देगा और आप कस्टम अधिकारी को दोगे उसके बाद फिर आपको प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट मिल पाएगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते वक्त यह डॉक्यूमेंट दिया जाता है ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले गुड्स को हम महंगा करते हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री और महंगा करने का तरीका यह है कि अलग अलग की अलग अलग प्रकार की की नामों से ड्यूटीज लगा, -लगा कर हम उसे महंगा करने की कोशिश करते हैं उसके बाद बोला गया रेट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की बात करी गई नॉर्मली दस परसेंट का रेट है लेकिन सौ से दो सौ परसेंट तक चला जाता है डिपेंड अपॉन सरकमस्टांसिस मोड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका जो सी रूट है वहां से नाइन्टी परसेंट तक का आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इसलिए आप देखेंगे कि मेरे मुंह से भी 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 और और इवन किताब के अंदर भी और के अंदर अंदर लॉ जो ज्यादातर बातें हैं वो सी की ही होंगी हमारा डायग्राम नंबर टू आया बारह तक इंडिया है और ये जो टी डब्ल्यू आई की जो रेंज है यहां के बाहर से इधर से इधर आए तो इंपोर्ट और यहां से वहां चले गए तो एक्सपोर्ट कह दिया जाता है जीरो से लेकर दो सौ नोटिकल माइल तक की दूरी है इंडियन कस्टम वाटर है यहां पर अपने कस्टम अधिकारी तमाम प्रकार की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपका एक सौ माइल का इफेक्टिव एरिया है बियॉन्ड टी डब्ल्यू आई का एक सौ माइल दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और निचली सतह कही जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस एरिया में जो भी ऑयल रिक्स होते हैं उन्हें डीम्ड इंडिया माना जाता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आप कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लेना ये मैंडेटरी होता है डीजीएफटी डॉट जीओवी डॉट इन की वेबसाइट से फॉर्म ए के अंदर आपको दे दिया जाता है एफ वैल्यू क्या है फ्री ऑन बोर्ड अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो एक्सपोर्टर जैसे ही जहाज में चढ़ाएगा वहां तक के सारे खर्चे मिलाकर जो वैल्यू बनती है वो एफ वैल्यू बनती है यानी कि लोडेड फॉर्म में एट ऑरिजन पोर्ट जो वहां तक लाने में जो खर्चा सारा जोड़ने के बाद जो वैल्यू वो एफ है डेस्टिनेशन पोर्ट पर लोडेड फॉर्म में सारे खर्चे वहां तक जोड़ने पर जो वैल्यू बनती है वो सी वैल्यू बनती है इसी से बनते हैं एफ और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्ट में एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी ओरिजिन पोर्ट तक की होती है बस उसके बाद क्या हुआ उसे कोई मतलब नहीं है जैसे ऑब्लिगेशन को पूरा करता है उसे अपना पैसा पाने का अधिकार मिल जाता है उसकी प्रैक्टिस हमने यहां पर पर करी है बिल्टी समझाया बैकग्राउंड के तौर यह मैंने डॉक्यूमेंट का नाम लिया जो कि मेरा डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल या डिलीवरी ऑर्डर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसपोर्टर तीन कॉपीज बनाएगा दो कॉपी कंसाइनर को देगा एक कॉपी अपने पास रखेगा दो में से एक कॉपी कंसाइनर कंसाइनी को देगा और कंसाइनी उसी कॉपी के दम पर ट्रांसपोर्टर से कॉपी से मिलान करेगा एंड वहां पर अपने गुड्स की डिलीवरी ले लेगा ऐसा बोल दिया जाता है मालिक फिर हमने देखा <coughs> यहां पर आकर कि भाई इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या है आने से पहले देना होता है लेकिन जो ट्रक वाला भैया सरफेस से आ रहे हो तो आने के बारह घंटे के अंदर दे सकते हो ये कौन है कहां से आ रहा है क्या ला रहा है वो सारी बात होती है और इंपोर्टर अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है विद ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स पांच व्यक्तियों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी एक पर्सन इंचार्ज है पोर्ट पर बैठे हैं आपके तीन आदमी वेयर हाउस कीपर कस्टोडियन एंड कस्टम ऑफिसर एंड इधर है अपना इम्पोर्टर इन्हीं के पांच के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे हम हमने देखा फॉर्मली यहाँ से बात आई कि भाई सेक्शन ट्वेंटी नाइन आना है तो यहीं आना है कहीं और नहीं जाना है अगर कोई दिक्कत है तो फिर एमरजेंसी आप लैंडिंग करा लेना

अनलोडिंग के वक्त कस्टम ऑफिसर मौजूद होगा और अनलोडिंग अप्रूव्ड प्लेस पर ही कराई जाएगी तीन सेक्शन अनलोडिंग के वक्त लगते हैं फिर हमने देखा कि जब गुड्स अनलोड हो गया है तो छुड़ाने के लिए ये व्यक्ति जाता है बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्ट जो सेल्फ असेस बेस से उसको पे करेगा पे करने के बाद बाकी जो उसके वगैरह बनते हैं या कुछ ट्रांसपोर्टर का देना है वो सारा चुकता करने के बाद में एनओसी लेगा और कस्टम अधिकारी को देगा

क्या यहां पर रोल आता है वेयर हाउस का रोल क्या है और क्यों हम वेयर हाउस में जाते हैं और वेयर हाउस के थ्रू अगर डिलीवरी लेनी होती है तो कैसे किया जाता है अगली क्लास में ब्रेक तक आई होप कि आपका ये डिस्कशन जो ओवरव्यू है कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्मली हम अपने चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे पहली क्लास है जरूर बताइएगा आपको सारी बातें ठीक से समझ में आई या नहीं आई ये आपका है बैच शानदार वाला और शानदार तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे मालिक आपके लिए ठीक है कल क्लास नहीं है चूंकि कल संडे है हफ्ते में छह दिन क्लास हुआ करेंगे मॉर्निंग में क्लास हुआ करेंगे और थैंक यू है और सो मच है बाय बाय है और टाटा है और ढेर सारा आपको प्यार है नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए नाइन एट वन डबल जीरो वन टू वन सिक्स वन ऐसे करके ठीक बाय बाय थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल किड्स पार्टी तनिष्क आयुष राजेश अनमोल प्रिंस दिव्या मानसी apru apurv bye 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 all bye bye, -bye.